कैसे हैं रघुपति बाबू? ठीक हूँ, आइए आइए। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। ये है रघुपति बाबू और ये इस परिवार के मुखिया हैं। ये और सुपरस्टार राजकुमार जी लंगोटिया यार हैं और इनका कहना है कि ये दोस्ती तब से है जब दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज के नाटकों में इन्होंने कई शील्ड जीते थे पर सिनेमा स्टार कभी ना बन सके। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। उन्होंने केले के लंबे लंबे तने भेजे, उनका क्या करूं? गार्डन में लगा दो, मिलके केले खाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, मंडप में लगवा दो। ये है राघव बाबू, इन्हें बात बात में मजाक करने की आदत है पर अपने भैया को ये बहुत मानते हैं। अरे छोड़ो ये सब बातें, नमस्ते।, नमस्ते। और ये है तीसरे राजा राम, ये लेट पैदा हुए इसलिए हर काम में लेट है, ऐसा आदमी जो मस्त मौला है। सुनो जी, शादी की साड़ी नहीं आई, जरा वहाँ फोन करो ना। अभी साड़ी नहीं आई। ये है इनकी बहन भारती और जो आदमी इनके साथ हैं वो है इनके पति। भारत कब का आजाद हो गया पर ये अभी भी पत्नी के गुलाम हैं। तो ये है रघुपति, राघव, राजा राम और भारती। काश इनके पिता ने इन सबको 21वीं सदी के नाम दिए होते तो शायद इनकी लाइफ और भी रोमांचक हो जाती। अरे ये बताओ रामा कहाँ है? अबे लप्पू! बापू! यहाँ तो मुजरा कर रहा है, वहाँ घर में शादी है। मेहमानों के सामने आपका इस तरह बात करना शोभा नहीं देता। They are laughing, they are enjoying. हाँ, enjoy कर रहे होते तो ताली बजाते, तुम पर सब हंसते नहीं। देखा, मैंने पहले ही कहा था, तुमने इसे चिकनी बाई के पास भेजकर गलती कर दी। समझ नहीं आता भाई बोला ये चिकनी बाई बोला है। सोचा था ये डांस सीख कर बड़ा कलाकार बनेगा पर इसने तो मेरे बापू इज्जत का बलात्कार कर दिया। सपना, तुम्हारे मामा का लड़का कब आएगा? अरे वो बाइक पे जूम जूम करके आते ही होंगे। भैया समय पर तो आ जाएंगे ना? स्वीटहार्ट, भैया हवा का झोंका है, आराम से पहुंच जाएंगे। शादी का मुहूर्त पास में है इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एक बात बता, मेरी शादी होकर मुझे टेंशन नहीं हो रही है, तुझे क्यों हो रही है? और वैसे भी मैं तो अपने भाई के साथ भागने वाली हूँ। भैया अभी तक फेरे वाली साड़ी नहीं आई है। टेंशन क्यों लेता है, आती ही होगी। लेकिन 20 मिनट में हमें यहाँ से मंडप के लिए निकलना है। अरे 10 मिनट में साड़ी आ जाएगी। साड़ी लेने जिसे भेजा है, बिगड़ी बनाना है उसका काम और नाम है उसका राम। मैं बीपी और शुगर का मरीज हूँ, इतना तेज बाइक चलाओगे तो मेरा राम नाम सत्य पक्का है, हम तो हवा के झोंके से ही मर जाऊंगा। मर जाओगे तो शादी कौन करवाएगा? अरे शादी तो तब होगी जब मंडप में पंडित जिंदा पहुँचेगा। भाई घर से नहा धोकर निकला हूँ, लगता है कि धोती पीली और गीली दोनों हो जाएगी। अरे मुझे यहीं उतार दो, मैं बस से चला जाऊंगा। पंडित जी क्यों चिल्ला रहे हो, वैसे भी मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, बस से जाएंगे तो बच्चे के नामकरण पे पहुँचेंगे। हरे कृष्ण। नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? जिंदा बच गया और क्या। क्या हुआ पंडित जी, राम ने आपको कोई टेंशन दी? कुछ मत पूछा, एक नाम राम कौन रखा है? ऐसा लग रहा था कि रास्ते भर हमारा धोती में फुलझड़ी छोड़ दिया। अच्छा? बच गया मैं, हाईवे पति नागिन जी से बाइक चला रहा था। फिर भी इतनी देर हो गई। ताऊ जी पंडित जी डर रहे थे इसलिए बाइक धीरे धीरे चला के लाना पड़ा। अगर ये धीरे था राम तेज कैसा होगा? ये साड़ी सपना को दे आना। पंडित जी और आप आइए आइए। कहाँ जाना है? अरे अंदर। और कहा, क्या हो गया आपको? क्या बताऊं, ये तो इतना तेज गाड़ी चलाया कि धोती के साथ साथ हमारा दिमाग वो उड़ गया। और बताइए हमारे शास्त्री जी कैसे हैं? वो हमारी तरह कुशल मंगल हैं, बस एक ही फर्क है। वो क्या? वो दक्षिणा नहीं लेते हैं, हम लेता हूँ। चलिए पंडित जी, आप मेरी भी शादी करवाएंगे ना? मेरे बेटे के लिए भी अगर आपके नजर में कोई हो तो जरूर बताइएगा। इसके लिए लड़का ढूंढो या आइटम। आइटम, थैंक यू वेरी मच पंडित जी, यू आर वेरी नॉटी। कंफ्यूज मत होइए, ये बाहर से बॉबी डार्लिंग है लेकिन अंदर से बॉबी डियोल। आपको भी शायद नहीं पता ये कैसा झोल है। कितना टाइम लगा दिया भैया। भाग के शादी करवाना आसान काम नहीं है, रजिस्ट्रार की, प्यून की, गवाह की, सबकी जेबें गरम करनी पड़ती है। ये ठीक कह रहे हैं। हाँ जानती। अच्छा सुनो, पंडित जी ने साड़ी तुम्हारे लिए भेजी है, इसे पहनो और जल्दी से नीचे आकर आखिरी बार सबसे आशीर्वाद ले लो, ठीक है? ओके भैया, आई लव यू सो मच। मी टू। तैयार हो जाओ। ये कुत्ता कितना बड़ा हो गया। बड़ा तो होगा ही ना, मैं इसके साथ रोज कबड्डी जो खेलता हूँ।
हाँ, ये भागता रहता है और मैं इसकी टांग पकड़ के खींचता रहता हूँ। अच्छा? और तो और मैं आजकल इसे किसी देकर प्यार करने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, देखना जल्दी सीख जाए। संभल कर रहना, ऐसा ना हो जाए ट्रेनिंग लेते लेते कहीं इसका दिल आप पर ही ना आ जाए। अरे अरे राम, हमें कहाँ ले जा रहे हो? बात क्या है भाई? आइए तो यहाँ खड़े हो गया सपना। क्या कहते हैं, मेरी बहन चांद का टुकड़ा लग रही है? आखिर भांजी किसकी है? ऐसी क्या जल्दी थी, हम बाद में भी मिल सकते थे। अब कल किसने देखा है? क्या कहा? शादी के बाद अब थक जाएंगे और इसकी विदाई में रो रहे होंगे, अब ऐसे में आशीर्वाद तो खुश होकर ही देना चाहिए ना। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक। चलो आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। सुखी मंगली भव। राम इधर आओ, हमें तो लगा था तुम अब भी बच्चे जैसे ही हो, बट यू आर टू इंटेलिजेंट। वो तो पैदाइश। अरे जरा सुनो तो। हाँ? तुमने हमें एक सरप्राइज देने की बात कही थी। हाँ? उस सरप्राइज का क्या हुआ? ठीक 10 मिनट के बाद आप सपना के कमरे में चले जाइए, वहाँ सरप्राइज ही सरप्राइज है। हाँ? हाँ? 10 मिनट बाद मेरे लिए सरप्राइज। हाँ? मैं भी तो देखूं वो क्या है। 10 मिनट तो हो गए। सपना, 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 भाई वो लड़की कब आएगी? अरे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है जो आप परेशान हो रहे हो? जो बर्बाद होने जा रहा है उन्हें तो जल्दी नहीं है। हैं? अभी रैफ और फरीना की भी शादी करवाने जाना है। सर वहाँ तो पूरी इंडस्ट्री आशीर्वाद देने के लिए मौजूद होगी, और यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ आप ही तो एक बूढ़े हैं। कितनी देर कर दी, अगर थोड़ा और लेट करते तो ये फरीना की शादी कराने निकल जाते। यहाँ साइन करो। हाँ यहाँ पर आप यहाँ। किसी को पता कैसे नहीं चला कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है? ये हुआ कैसे? घर में रहकर तुम लोगों को घर की खबर नहीं? किसी को भनक भी नहीं लगी कि वो हमें क्या सरप्राइज देने जा रहा है। हमसे अपने प्यार की बात छुपाकर सपना ने बहुत बड़ी गलती की है, और उसका साथ देकर राम ने उससे भी बड़ी गलती की है। हमारे फैमिली रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। मैं आज से इस घर में उन दोनों का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मर गए हैं वो दोनों हम सब के लिए। जानते हो, अगर भैया नहीं होते तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं होती। मेरे प्यारे भैया। आप इमोशन में आके मेरे पैर मत छू लेना, मुझे ये पसंद नहीं है। यू आर राइट, मुझे भी पसंद नहीं। ओए साले को थैंक यू तो बोल ही सकता है। ये तुम्हारी ड्यूटी थी तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स क्यों दूं? ये तो तुमने सही कहा भास्कर। हाँ? सपना मेरे बुआ और फूफा जी की इकलौती लड़की है। तो क्या, मैं भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। I understand. मैंने भी सपना की तरह अपने पेरेंट्स को छोड़ा है। मुझे न्यूजीलैंड में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, रात ही निकल रहे हैं, एंड डोंट वरी, इसे खुश रखूंगा। गुड। सपना तेरी चॉइस बहुत बढ़िया है, अब मुझे यकीन है कि तेरा फ्यूचर एकदम सेट है, पर मुझे अपने फ्यूचर पे डाउट हो रहा है। डाउट नहीं, कंफर्म। तुम्हारा घर में घुसना अब मुमकिन नहीं है, तो अब क्या करोगे? करना क्या है, सीधे कॉलेज जाऊंगा, 6 महीने में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं लाइफ कहां लेके जाएगी। ए, ध्यान से सुनो, रूल्स गेट फाड़ दे, इन्हें मजा चखा दो, सबको तोड़ के रखो। चल 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 चल। हम भी वैसे खेलेंगे। हाँ, समझ गए ना सब? समझ गए। ओके ओके ओके। मूव मूव। उधर जाओ।
जाकर देखते हैं। हमें खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए, अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर मैदान में उतरना चाहिए। गुस्सा थूक दो। और इस सब में क्या रखा है? ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, क्या हासिल होगा इससे? कॉलेज में हम बस कुछ ही दिन हैं, उसके बाद तू तेरे घर, मैं मेरे घर, तो फिर दोस्ती नहीं करनी तो मत करो। पर ये आपसी दुश्मनी क्यों? राम मत भूलो कि इसने मुझे चोट पहुंचाई है। हमें इनसे बदला नहीं लेना। अगर इन्हें दुश्मन समझेंगे तो ये दुश्मन बनेंगे, अगर इन्हें दोस्त समझेंगे तो ये दोस्त बनेंगे। कॉलेज के चार वर्ष निकल गए, पता ही नहीं चला। हाँ सही कहा। अरे पण एक बात बता, तू हाँ? अपना सामान पैक करके कहाँ जा रहा है? क्या मैं घर नहीं जाऊँ? इस साल भी मेरे पास होने में तुझे डाउट है क्या? ना वाड़ी ना, कंफर्म है। नो चांस, देखना इस बार मैं पास हो जाऊंगा, 90% गारंटी। तब तो मैं पास हो जाऊंगा। वो कैसे? क्योंकि मैंने तुम्हारे आंसर शीट पे अपना रोल नंबर लिखा है। उल्लू कहीं का मोटा सर। सब तैयार है ना? अरे अब इसे क्या हो गया? सुना है हसीनाएं होश उड़ा देती हैं, इसको भी कोई हसीना मिल गई है। हेलो राम उठो। अगर वो सीता है तो राम को जरूर मिल जाएगी। सूर्पनखा निकली तो तुम उससे शादी कर लेना। बहस मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ। मिस्टर चिरकुट राजू, तुम्हारी वो साबुनदानी, सॉरी मतलब तुम्हारी वो वैन, तुम्हारे दादाजी की वो प्यारी सी खटारा, उसकी कंडीशन अभी भी ठीक है ना? मेरे स्वर्गवासी दादाजी के आशीर्वाद से अच्छी कंडीशन में रहती है। अगर तुमने मेरे कंधे से हाथ नहीं हटाया तो गैराज में तुम्हें अपनी भी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ेगी। थैंक यू। बाय द वे, यहाँ पर तुम्हारे साथ गोपी क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ वो है कहाँ? चलो चलकर उससे मिल के आते हैं। चुप रहो। अंकल गोपी कहाँ है? बेटा वो अंदर है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पर उसने ऐसा क्यों किया? वो सविता नाम की किसी लड़की से प्यार करने लगा है, लेकिन लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है। एक बात बता, तू उससे कितना प्यार करता है? जान से भी ज्यादा, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। इन लड़कियों पे यकीन मत करो। हाँ, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तेरे जैसे बंदे को जिसे हफ्ते में चार बार प्यार होता है, उसे सच्चे प्यार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तू मुंह बंद रख। वैसे उसकी शादी कब है? आज ही है। हर काम लास्ट मिनट पे छोड़ देता है। तू जाके शादी की तैयारी कर, हम लड़की को लेकर आते हैं। हाँ? चलो तुम लोग चलो, मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। वैसे भी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तेरी वैन की है, आना है तो आ, मैं तो चला। देखो पिछली बार तुम बच गए थे क्योंकि वो तुम्हारे ताऊजी थे, ये हमारे रिश्तेदार नहीं तो हम पंगे क्यों लें? ए, मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ए भाई, ये डायलॉग तो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, कल को कोई तेरी आइटम को उठा ले गया तो? क्या वे मुझे अपने जैसा समझाए क्या? मुझसे प्यार करने वाली लाखों में एक होगी। बाबू लड़की के घर का पता करो। टेंशन नहीं ले बाबू। ए किधर जा रहा है? लड़की वाले हैं। सुबोध भाई सुनिए, इधर आइए। क्या है बेटा? क्या आप इसे जानते हैं? मैं इसे नहीं जानता। तेरी तो राम, देखो अभी भी वक्त है, हम यहाँ से कल्टी हो सकते हैं। अब जो मैंने कमेंट कर दिया तो मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा। इसकी दोस्ती भी बड़ी अजीब है, हर वक्त अखाड़े में उतरना पड़ता है। तू इसकी फिकर मत कर, देख मैं क्या लाया हूं। क्या है? बेहोश करने का स्प्रे। एक स्प्रे में काम तमाम। ये स्प्रे काम भी करता है। खुद ही चेक कर ले। अरे ये क्या क्या गया ये सांड कहीं के? जलेबी फाफड़ा नहीं कसम, चकास्ट। अबे मोटे ये सब पे नहीं डालते। क्यों? जो मुझसे सवाल करेगा उस पे डालना। कितने सवाल? तीन सवाल बस। हाँ? तीन से ज्यादा करे तो डाल। देख लिया, तुम्हारे लिपस्टिक मेकअप के चक्कर में इतने लेट हो गए, अब चाचा जी नाराज हो जाएंगे तो क्या चले दे? ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, उस दिन देखा था वो कितना चाहते हैं तुम्हें। अले ले ले, अब सबके सामने मेरे तबले क्यों फाड़ रही हो? अले चाचा जी का तो भले भले लोगों के साथ उतना बैठता है। तुम दांती नहीं हो, बिल क्लिंटन तो हमारे ढल पर चाय पिलाता था, बिस्किट वो लाता था और चाय हम देते थे। अले चाय बिस्किट जैसा प्याला लिस्ता है वाला। अरे ये नागराज उनकी गोद में खेलकर पला हुआ है। फेंकना बंद करो, आगे चलो। दोनों तुम आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हेल्थ मिनिस्टर का बेटा राजू। ओ हेल्थ मिनिस्टर थे बेटे हो? अरे फिर तो तुम हमारे रिश्तेदार हो, से लग जाओ। अरे राजू ये लड़की कौन है? बेवरेज मिनिस्टर की बेटी। अदल का स्मेल की है। हाँ। इसीलिए वो दूस नहीं लेते और इतने परेशान भी रहते हैं।
देता कुछ सीखो, हमारी फैमिली में दूसरी कास्टों की पूरी इज्जत है। लाजू मुझे ये बताओ मेला इससे क्या रिलेशन बनता? अब इतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये आपकी बेटी जैसी। तलो तलो तेलो ये ताता जी नाना दो ताते। तलो तेरा जवाब नहीं। अरे चाचा जी कैसे हैं आप? ठीक हूँ, इतनी सी क्यों बाद में बताऊंगा, पहले अंदर चलो। अरे ये सब कौन है? ये लंबी कहानी है, तुम भी बाद में बताने वाले थे ना, मैं भी बाद में बताऊंगा। चलो चलो मैं आ लाऊं। पूजा मैं ये शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं कहती हूँ अभी भी समय है, तू यहाँ से भाग जा। हाँ? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। हाँ? जल्दी से अपना सामान बांध ले। ओके। मैं अभी आई। हाँ? हाँ? अरे ये कौन राक्षस आ गया? कहाँ जा रहे हो? भाईजान मैं दुल्हन की दोस्त हूँ, मुझे उससे मिलना है। उसके नीचे आने का इंतजार नहीं कर सकते क्या? भैया भैया सलमा को दुबई के लिए निकलना है, फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। मेरे पास वक्त कम है। अरे तीसरा सवाल पूछेगा। आजा आजा। अच्छा हुआ ना उसने दो ही सवाल पूछे, तीसरा पूछता तो ये दबंग रेडी था। वो सब छोड़, मैं यही रुकता हूँ, तुम उसे लेके आ जाओ। एक्सक्यूज मी, दुल्हन का कमरा किधर है? वो उधर है। चलो चलो। अरे जोर लगाने बापू। लगा तो रहा हूँ। तुम लोग कौन हो? पहला सवाल। क्या चाहिए तुम्हें? दूसरा सवाल। तुम वही हो ना जो हमारे गोपी की? क्या? तीसरा सवाल। अबे गेंडे स्प्रे क्यों किया? अरे वाड़ी ना, इसने तीन सवाल किए ना। दिमाग तो खाली है। अरे मुर्खा डालो इसे। ये अमीर लोग पता नहीं क्या खाते हैं, कितनी भारी है ये। अले ले 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 ले, बेबी मिनिस्टर की बेटी को क्या हुआ? इन्हें उल्टियां हो रही हैं, लगता है इनका हाँ, पांव भारी है। हाँ, इतना जल्दी पांव भारी? हाँ, इनको डॉक्टर के पास लेके जाओ और फिर जल्दी से वापस। हाँ, ठीक है ठीक है। तुम लोग अपना पैर संभालना। अरे इसे क्या हुआ? दिखता नहीं, लूज मोशन हो रहा है। अले ले ले, आप अभी आपके बेटे से मिला, शक्ल बिल्कुल आप पर गई है लेकिन अखल का पता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, उसे तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए 6 महीने हो गए। अले कैसा मजाक कर रहे हैं आप, अभी अभी वो बेवरेज मिनिस्टर की बेटी को हॉस्पिटल लेके गया। उनके लड़के की शादी कब हुई? चलो चलो चलो, तू यहाँ किसी और के साथ शादी कर रहा है? तेरी गर्लफ्रेंड को जो हम उठा के लाए हैं उसका क्या? मेरी गर्लफ्रेंड? तेरे लिए हम उस लड़की को अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ लाए हैं और तू यहाँ ये कांड कर रहा है? तूने मुझे मारा? ए, तेरे हस्बैंड को मारता है? हस्बैंड? ए, अब इसने मुझे क्यों मारा? अबे गधे, पत्नी के सामने पति पर हाथ उठाएगा तो ऐसे ही मार खाएगा, समझा? अगर ये तेरी गर्लफ्रेंड है तो हम उठा लाए वो कौन है? अरे किसे उठा लाए? गोपी सच बता, यही तेरी गर्लफ्रेंड है? पहले तू ये बता, तू उसे कहाँ से उठा के लाया? तूने जो मैरिज हॉल बताया था वहीं से उठा के लाया हूँ। हम भी तो इसे मैरिज हॉल से लेके आए हैं। दिमाग नहीं काम करा। तूने मैरिज हॉल का नाम क्या बताया था? आरआर। और तूने क्या बताया? आरआर। ये क्या हो गया? सॉरी यार, गलती से गलत लड़की उठा लाए। पर वो कौन है? हमारी यहाँ फटी हुई और ये चैन से सो रही है, उठो राजकुमारी। कौन हो तुम लोग? कौन हो? हाँ, ये तुम्हारा चाचा, मैं तुम्हारा पापा और ये तुम्हारा दादा। माफ करना, दोस्त की गर्लफ्रेंड समझकर तुम्हें किडनैप कर लिया। रियली? थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नॉट। क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद इसका दिमाग खिसक गया। नो 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 नो, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, वैसे भी मुझे वहाँ से भाग नहीं था, तुमने मुझे बचा लिया, सो स्वीट ऑफ यू। मेरी एक और मदद करोगे? एक और? मुझे मैसूर तक छोड़ दोगे प्लीज? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे, तुम्हें वापस मैरिज हॉल में ड्रॉप करेंगे। ऐसा करोगे तो मारे जाओगे। डराती है क्या? डराती? चलो दिखाती हूँ। देखते हैं क्या दिखाती है। क्या दिखाएगी? वो देखो, वहाँ देखो। लगता है वहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। शूटिंग नहीं, वो लोग मुझे खोज रहे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है तो तुम्हें काट डालेंगे। मैं कहता था ना कि लड़कियाँ मुसीबत होती हैं। अब हम इस लड़की के साथ कहीं नहीं जाएंगे। मैं चलूंगा, जहाँ कहोगे वहाँ चलूंगा। मुसीबत है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था। अरे अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जल्दी, ये सब तेरी वजह से। अपनी शक्ल दिखाना। सब लोग आ गए ना? लड़की कहाँ गई? बगल में तो बैठी है। अबे ये वाली नहीं जिसे हमने उठाया था। अरे भैला, भाग भाग के मेरा 250 ग्राम वजन कम हो गया और तुझे लड़की की पड़ी है रेवा देने। पता नहीं वो बेचारी कहाँ होगी। ए, अब दिमाग का दही बड़ा मत कर। वो कोई बेचारी नहीं, वो बहुत ही चालाक है। अगर वो पकड़ी गई तो उसकी शादी करा देंगे। अगर हम पकड़े गए तो हमारी छोटी छोटी बोटी करके मटन बिरयानी बना देंगे। खाना सुन के मुँह में पानी आ गया। चलो ना चल के खमन ढोकला खाते। अरे ये क्या, आप लोग आ गए। उसे अकेला छोड़ के गलत किया, उसे साथ लाना चाहिए था। क्या बात है मेरे दोस्त, कार के लिए सिंपैथी देके मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो, मैं तुम्हारी कार की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की की कर रहा हूँ। भैला, उस लड़की का नाम लेके खाने का मजा खराब कर दिया, उसकी इतनी फिक्र क्यों? क्यों ना हो, बेचारी शादी के चक्कर में फंस गई। अब वो लड़की बेचारी हो गई। क्यों, तुम्हारा दिल आ गया है क्या उस पर? सर आपका बिल बाजू वाले को दे। मुझे ही काटो। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन फ्राई, चिकन 65, चिकन 75, फिश फ्राई। अबे मोटे साले मुझे भी खा ले। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ भाई। सर ये उन्होंने खाया है। कौन है वो? पता नहीं इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिलेगा भी या नहीं। ए, लड़की के साथ ऐसा करते क्या? ऐसा नहीं करते, ऐसा करते। ए, चुप, शट अप।
तुमने अकेली लड़की को मुसीबत में छोड़ दिया। तुम लोग फिल्में नहीं देखते कैसे हीरो हीरोइन को बचाता है? हमको ही फिल्मी हीरो लगते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, फिल्मी स्टंट करेंगे, ये सारी चीजें फिल्मों में अच्छी लगती है, रियलिटी में नहीं। अरे तुम्हें बचाने के चक्कर में हम मर जाते। सुना था कि इंडिया में लोग बहादुर हैं। हेलो, इंडिया के लोगों को कम मत समझना। तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है? अब तू अपनी ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, ध्यान से मेरी बात सुन। तुझे भी पता है राजू, अगर देश के बारे में कोई कुछ कहेगा तो मैं कुछ नहीं सुनता हूँ। चलो चलो, मैं चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच पूजा। वन मिनट एडी, तू भी इधर आ। क्या हुआ? सुनो, इस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही डेंजरस लगता है। हम इसे अपना ओरिजिनल नाम ना बता के कोई और ही नाम बताएंगे, ओके? ओके। कुछ पर्सनल बातें थी, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय द वे, माय नेम इज चिरकुट चंचल, लंबू चिंगारा, मोटा भंडारी, और ये है मुन्नी चमेली। ये है ऑटो, तीन पहिया। तुम सभी अपने अपने नाम याद रखना। हाँ क्यों, नाम क्यों याद रखना? ए, इनसे नहीं, तुमसे कहा था, तुम याद रखना। तीन पहिया, जाके बिल पे करना। ये क्या है? टिप देनी है। किसको? तेरे जैसे उल्लू के पट्टे को। घोड़ी ना बोल। आज तो मैं मर ही गया होता और तू मेरी फोटो पर माला चढ़ा रही होती। मैं तो फोटो ही तोड़ देती। हेलो, इस रोनी सूरत पर तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं देगा। तीन पहिया, तुम जरा पीछे जाओ। ए चमेली, मेरे साथ आओ। हाँ चलो चलो, लड़की देगा तो कोई भी लिफ्ट दे देगा। हेलो, लिफ्ट लिफ्ट प्लीज। ओ आइटम, वो भी एक नहीं दो दो। प्लीज प्लीज, गाड़ी रोकिए, लिफ्ट चाहिए। प्लीज प्लीज प्लीज। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हमें लिफ्ट दीजिएगा। सिर्फ लिफ्ट? कहो तो मैं अपनी जान भी ले लूं। तब तो हमें आपको शमशान तक ले जाना पड़ेगा। नहले बदला, बट वेरी गुड जॉब। प्लीज कम कम कम। थैंक यू थैंक यू। चिपक के बैठो, थोड़ा और चिपक। ये बैलगाड़ी नहीं है सर, ये हमारे साथ है। तो ये सारा सामान आपका है, तो आपको कहाँ उतारना है और इन्हें कहाँ भेजना है? सर मुझे मैसूर जाना है। ओके। अंकल मुझे बैंगलोर जाना है। क्या बोला अंकल? नाम मेरा संतोष है, खुशियाँ बांटता हूँ हरदम, हैप्पी बुलाते सर मुझे। अच्छा ये शादी की साड़ी की राज क्या है? तुम्हारी उम्र के बुड्ढे से इसकी शादी हो रही थी, इसलिए ये मंडप से भाग आई। मिस्टर हैप्पी, ये खाली बक्सा बहुत खड़खड़ा रहा है। इसका नाम है तीन पहिया। तीन पहिया रिक्शे वाला। टेढ़े मेढ़े को कहाँ से उठाया? मुझे मंडप से भगाने में उसने बहुत मदद की है। ओके। तीन पहिया, इसका बाप जरूर मुंबई में ऑटो चलाता होगा। खैर चला जाओ। ओए ठरकी, ठरकपन छोड़ो और गियर पकड़ो। सॉरी सॉरी, कभी कभी गलती से कुछ और ही पकड़ लेता हूँ। फील फ्री है। देखो दोस्तों, जिंदगी में खुश रहो और जियो। वैसे मिस्टर हैप्पी, आप कहाँ जा रहे हैं? वीकेंड एंजॉय करने। हाँ, तो बाकी दिनों में क्या करते हो? वीकेंड का इंतजार करता हूँ। तभी तो तेरा दिमाग वीक होकर एंड हो गया। इसीलिए तो ये लंगूरों वाली ड्रेस पहनता है। लंगूर मतलब? लंगूर उसे कहते हैं अंकल, जो बूढ़ा होकर भी गुलाटी मारना नहीं भूलता। बाजार आ गया, हंसी खाओ, ठंडा पीना चाहोगी? मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। Excuse me, you have any western outfits? हाँ? क्या कर रहे? अरे, मेरा ये मतलब नहीं था, इसे इंग्लिश नहीं आती यार, मॉडर्न ड्रेसेस है। ये सब मॉडर्न ड्रेसेस हैं सर। अरे छोटे भाई लगा ले। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भक्ति संगीत बंद करो, तुम्हारे पास कोई डिस्को सॉन्ग है सुनने के लिए? सारे उधर लगे हैं। ए, बाहर जो रेड जीप पार्क है, क्या वो तुम्हारी है? खास हुआ है ना, मेरी पर्सनालिटी को मैच करती है, बेचने के लिए नहीं है। चला, हम खरीदते नहीं, बस उठा लेते हैं। वैसे इसको कहीं देखा है? अरे देखने की क्या बात है, ये तो मेरे बगल में चिपक के बैठी थी, इसे तो मैंने लिफ्ट दे के लिफ्ट वाला गाना गाया था। तुम्हें चाहिए? नहीं, अपने लिफ्ट को शिफ्ट कर। और बता, इस लड़की के साथ एक लड़का था, उसे देखा है? दिमाग की दही मत कर, इसके साथ एक नहीं चार लड़के थे, स्कूल नहीं गया क्या? अभी कहाँ है वो लोग? साला कितना साल, प्यार से बता दे मुन्ना। डरा रहा है, चल जाके अपना काम कर। अबे भूतनी क्या भी बताता है, या काट दूं? बताता हूँ। कच्चा बनियान ले रहे हैं। ए, जूनियर मास्टर ब्लास्टर को साथ ले चलो। बैग में रख लो। ये क्या हमें नौकर समझती है? वाओ, कितना सुंदर है ना? देखा? इसे पैक कर दो। करता हूँ सर। थैंक्स तीन भैया। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि तुम मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे रही हो। ये मेरे लिए नहीं है।
मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे गिफ्ट दोगी। चलो चलो भागो यहाँ से। ए, इस लड़की को देखा है क्या? इस लड़की को? हाँ। अभी ड्रेस लेकर गई है। अरे भाई अब तो मुझे छोड़ दो। चल लोटे अंदर घुस। अरे अंदर तो मैं पीछे जाऊंगा। छोड़ कपड़े गंदे हो जाएंगे। ए, आधे लोग दाएं जाओ बाकी लोग बाएं जाओ, मेरे साथ कोई मत आओ। हाँ ठीक है भाई। हाँ। इसे जाने दे क्या? हम इसे कैसे छोड़ दें? इसी ने तो उन सबको देखा है। अब क्या करना है? जो तुम्हारी मर्जी हो। What? तुम्हारी मर्जी मतलब हम यहीं छुप सकते हैं या बाहर निकल के उनके साथ पकड़ा पकड़ी खेल सकते हैं। बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने विग पहना है। बचपन से? फ्लर्ट मत करो। यहाँ शर्ट ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, फ्लर्ट क्या करूँगा। मोबाइल की तो चल जल्दी से रिचार्ज कर दे। जंगल में मंगल करते। हेलो, कमर पे हाथ क्यों रखा? वहाँ क्या हीरे मोती जड़े हैं? कमर पकड़ने देती तो ट्रेन भी पकड़ लेते। तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ फंस गया। नहीं, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी नियत खराब थी। ओह, मिस इंडिया मिस यूनिवर्स, मुझे तो तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। दो दिन घुमा के हम साथ साथ हैं और काम निकलने के बाद हम आपके हैं कौन? बस देख तुम्हारे गले मत पड़ा। तुम्हें है ही क्या जो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी? भलाई का जमाना ही नहीं है। अबला नारी समझ के मदद कर रहा हूँ और तुम मेरा तबला बजा रही हो। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। अरे जाओ जाओ, धमकी किसे दे रहे हो? मैं अमेरिका में अमेज़न जंगल में अकेले घूम चुकी हूँ। कहाँ गायब हो गई? ऑडियो तो आ रहा है पर वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। लटकने के लिए यही जगह मिली क्या? हाँ हाँ, लटको, हैंगिंग गार्डन है। तीन भैया मेरी मदद करो। अरे इतना चिल्लाओ मत, कहीं शेर वेर सुन लेगा तो यहाँ आ जाएगा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। वैसे इतनी ऊंचाई से गिर के कोई मरता नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे अब तो तुम बहुत प्यार से बात कर रही हो, हम लोग यही लटके रहते हैं। देखो प्लीज, मैंने तुम्हारी सारी गलती माफ कर दी ना, अब मुझे भी माफ कर दो। मेरे जैसे शरीफ और हैंडसम लड़के को सताओगी तो ऐसा ही होगा। अब कुछ करो ना। लेकिन कुछ करने के लिए मुझे तुम्हारी कमर पकड़नी पड़ेगी। ओहो, इस समय जान ज्यादा जरूरी है, तुम्हें अगर कमर पकड़नी है तो पकड़ लो, पर मेरी जान बचा दो प्लीज। कमर से तो लगता है कि तुम साउथ इंडियन फिल्म की हीरोइन हो। वैसे तुम खाती क्या हो? ये क्या चुभ रहा है? क्या चुभ रहा है? ज्यादा आकर दिखाओगी तो जकड़ छोड़ूंगा। नहीं नहीं, माफ कर दो माफ कर दो। अगर पहले कमर पकड़ लेने देती तो यहाँ बैठ के भुट्टा नहीं खाती, आराम से ट्रेन में चढ़ जाती। वैसे तुम्हारी कमर Shut up. कितने नखरे दिखाती हो,
आज तुम्हारी जिद की वजह से ट्रेन हमारे सामने से निकल गई। वैसे एक बात कहूँ, आज पहली बार मैंने किसी की कमर को टच। चुप करो, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है? अपनी खुशी भी जाहिर नहीं करने देती। क्या कहा? मुन्नी कह रही थी कि बेहोश लड़की को कार में देखकर तुमने कुछ कहा था। उल्टी कर दी उसने, लड़कियों के पेट में बात ही नहीं पचती। जहाँ दो लड़कियाँ मिली वहीं चुगलियाँ शुरू। छोड़ो भी, जिसे तुम प्यार करते हो उसका नाम भी नहीं जानते हो, उसका पता भी तुम्हें नहीं मालूम, वो तुम्हें दोबारा मिलेगी भी या नहीं? पर वो तो मेरे साथ ही है। कहाँ है? यहाँ है। हाँ? मेरा मतलब मेरे दिल में। ओके ओके, अगर मिलने के बाद वो तुमसे प्यार ना करे तो क्या फर्क पड़ता है वो मुझसे प्यार करे या ना करे? मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। तीन पहिया, तुम्हारा दिमाग भी ऑटो की स्टेपनी की तरह बिल्कुल बेकार है। थैंक्स। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हारी कमर का साइज। प्लीज, मुझे अब नींद आ रही है। गुड नाइट। ये कहाँ चली गई? Hey, तुम यहाँ बैठकर पेडिक्योर कर रही है और मैं वहाँ टेंशन में आ गया था। तुम्हें कैसे टेंशन? और वो भी मेरी ही, मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। फालतू में, चलो हाथ धो। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए, तीन पहिया! अक्कल नहीं है क्या? ए, स्क्रू ढीला है। पागल कहीं का। What about you, तीन पहिया? सबसे पहले तो तुम मेरा सही नाम जान लो। मेरा नाम तीन पहिया नहीं, राम है। तो तुमने झूठ क्यों बोला? अरे वो जब ढाबे में हमने तुम्हें देखा तो उनका इंतजार मत करो, चलो चलते हैं यहाँ से। चुप करना यार, ये लोग तो आ गए। कहाँ थे तुम दोनों? पूछ मत यार। ये लो, इस बैग में तुम्हारे सारे जेवर हैं, चाहो तो चेक कर लो। बाय राम, आई मिस यू लॉट, फिर मिलेंगे। पर कैसे? हा? तुमने कहा ना फिर से मिलेंगे। चमेली को मैंने ईमेल आईडी दिया। मैं दे दूंगी, अब चलो जल्दी, देर हो रही है, चलो। बाय 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 बाय। जब तक तुम्हारा दोस्त ना आ जाए वेटिंग रूम में इंतजार करना। यात्री कृपया ध्यान दें, बैंगलोर से मैसूर जाने वाली बस 10 मिनट बाद स्टैंड नंबर 15 पर आने वाली है। हेलो। हाय गौतम, पूजा हियर। हाय पूजा, हाउ आर यू?
I'm fine. मैं शादी के मंडप से बाहर आई हूँ. मेरा पासपोर्ट वीजा रेडी है ना? अभी प्रोसेसिंग में है. 15 दिन और लगेंगे पूजा. What? अभी 15 दिन और लगेंगे? क्यों? कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं. मेरा पासपोर्ट जल्दी दिलवाओ ना. तब तक तुम कहाँ रहोगी? मैं श्वेता के यहाँ रह लूंगी. वो मेरी ओल्ड फ्रेंड है. अरे पूजा, उसकी फैमिली एक हफ्ते पहले शिकागो शिफ्ट हो गई. तुम क्या करोगी? मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं कुछ कर लूंगी. बट प्लीज मुझे पासपोर्ट जल्दी दिलवाओ. बाय. पासपोर्ट रेडी नहीं था. 10-15 दिन और लगेंगे और मेरी दोस्त भी नहीं है. समझ में नहीं आता क्या करूं. और ये गुंडे. अच्छा, तुम लोग तो बस में थे, यहाँ कैसे आए? तुम्हें ये दिए बगैर मैं कैसे जा सकता था? थैंक यू. सुनो, क्या कहा इसने? ये और 10-15 दिन रुकेगी? 2 दिन में इसने हमें नर्क की सैर करा दी, अब आगे क्या करेगी ये? चुप करो. अगर मुझ पर भरोसा है तो मैं एक आइडिया दूं. हाँ बोलो. अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? शादी करना चाहते हो ना, तो कर लो. हाँ, इसके भी हाथ पीले कर दो. अरे साले साहब, कौन लड़की मिलेगी इसे? इसका हुलिया तो देखो. पहले एक लड़की तो ढूंढो इसके साथ जो शादी के लिए राजी हो. मेरी किस्मत ही फूटी है. हम लोगों ने शादी.com पर फोटो भी डाली थी, काफी सारी क्वेरी भी आई. हम लड़का ढूंढ रहे हैं या लड़की, बस ये पूछने के लिए. उनमें से एक ने गाली भी दे दी, ये कहकर क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो. मुंह मत दे. दरवाजे पर कोई आया है, जाके देख. ओके ओके ओके. कौन है? हाय रामा. अरे वाह, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे सिर्फ नाम ही नहीं, सब कुछ मालूम है. अच्छा, और तुम्हारा नाम? मैं पूजा. पूजा. प्लीज वेलकम. नमस्ते रघु अंकल. रघु अंकल? मुझे रघु कहकर तो सिर्फ गणपति शास्त्री बुलाते हैं. उन्होंने ही तो भेजा है अंकल. ओ, बैठो बैठो बेटी, बैठो. नमस्ते लक्ष्मी आंटी. नमस्ते बेटा. नमस्ते संगीता आंटी. नमस्ते. नमस्ते भारती आंटी. नमस्ते बेटा. आप राघव अंकल है ना? हाँ. अरे ये पप्पी. इतना प्यारा है. ये पप्पी भी तो शास्त्री जी के आश्रम से ही आया है. कितनी जल्दी पहचान गया. I'm sorry, मैंने बताया नहीं मैं क्यों आई हूँ. तुम तो मेरे लिए आई हो ना. रामा. मेरे मम्मी और डैडी एक्सीडेंट में गुजर गए, तो शास्त्री जी ने ही मुझे पाला और पोसा. मुझे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई है, बट कॉलेज 15 दिन के बाद खुलेगा. उसके लिए बुक्स, हॉस्टल इंतजाम तो करना होगा ना. इतना बड़ा घर है तो हॉस्टल क्यों, है ना मामा? सही कहा. शास्त्री जी तो हमारे लिए देवता समान है. बिल्कुल सही कहा. सिर्फ 15 दिन क्यों? तुम जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ रह सकती हो बेटी. शील को देखकर इतना खुश क्यों होते हैं? ये शील इनकी जान है, क्योंकि बचपन से ये ड्रामा और सिनेमा के शौकीन हैं। इनफैक्ट दुर्योधन के रोल के लिए इन्हें यही स्टेट अवार्ड में मिला था.
जानती हो किसने दिया था? इनके फेवरेट एक्टर डॉक्टर राजकुमार ने। इसीलिए इसको देखे बिना ये घर से निकलते नहीं। इससे पूछो ये यहाँ क्यों आया है। अरे आप उससे तो बात कर लेते जिसने भाग के शादी की है, तो मुझसे बात क्यों नहीं करते, यही पूछने आया हूँ। उससे वो गलती अनजाने में हो गई थी। अनजाने में नहीं, जानबूझकर की। भास्कर से शादी करने के लिए उसने मुझे लास्ट मिनट पर धमकाया, अगर शादी नहीं हुई तो मर जाएगी, तो मुझे मानना पड़ा। इसके लिए आपने मुझे पैसे भेजना बंद कर दिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गया था, खून की कमी निकली, हड्डी भी कमजोर पाई गई। इसको तो इतनी प्रॉब्लम है कि भगवान के पास जाकर ही इसका इलाज होगा, है ना? पता है मेरे पास 30 ml के लिए भी पैसे नहीं है। ओ, मामा सुना आपने, 30 ml पौआ। मामू, 30 ml सिर्फ पौवे का नहीं होता है, मेडिसिन्स का भी होता है। ताऊजी, यू लावर इस कितना घूमने से तो अच्छा है कि मैं कहीं जाकर अपनी जान दे दूं। बेचारा। बेटी पूजा, तुम्हें तो शास्त्री जी ने पाला है, मेरे लिए तुम्हारे शब्द शास्त्री जी की ही आज्ञा होंगे। हाँ तो बताओ, क्या इसे माफ कर देना चाहिए? एक्चुअली माफ ना करें, हाँ? बट हालात देखते हुए लगता है आपके बिना रह नहीं सकता, इसे माफ कर दीजिए। ऐसा है तो तुम्हारे कहने पर इसे माफ कर देते हैं। देख क्या रहा है, चल अंदर आ जा। अरे ताऊजी, थैंक यू ताऊजी, सॉरी ताऊजी, ये गलती अब नहीं होगी। डैडी, और टंकी कम कर, डांस मत मार, डैडी यहां करा। चलिए आओ बेटा। हां मम्मी, अंदर चलिए। मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, बहुत दिनों से आपके हाथ का खाना नहीं देखा बेटा। इसको देखकर परिवार का हर आदमी खुशियों से भर जाता है। हमारी भांजी की वजह से हमने इसे निकाल दिया था, ये हमेशा से ऐसा ही है, अगर कोई मुसीबत में है तो ये वहां सबसे पहले हाजिर। गुड बॉय। क्या बात है, क्या एक्टिंग करती हो, पर संभल कर रहना, मेरी पूरी फैमिली बहुत चालाक है। अच्छा, तुम हिचके लेना जानती हो? क्या मतलब? ओह, तुम तो फॉरन रिटर्न हो ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, हिकअप्स। ये क्यों? आज के बाद जब तुम्हें मुझसे कोई भी बात करनी हो तो तुम हिचकी ले लेना, ये हमारा कोड वर्ड होगा, ठीक है? ओके, तीन पहिया। हाँ, तीन पहिया नहीं, सिर्फ राम। ओके ओके ओके। यो यो। सर पर जोर की चोट लगने से खून बहुत बह गया है, ये अभी कोमा में है। कोमा क्या है ये? कोमा में मरीज ना ही कुछ सुन पाता है ना ही कुछ समझ पाता है, मानो जैसे एक जिंदा लाश हो। सुन डॉक्टर, इसको जल्दी से होश में लाओ, समझे तुम? अगर नरसिम्हा को कुछ हो गया तो यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा सर। भाभी, छोटे पंडित जी आए हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? झूठ? मैंने क्या? देखा तुमने, हिचकी रुक गई ना तुम्हारी। इसे कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट, और शॉक ट्रीटमेंट देने में मेरा जवाब नहीं। थैंक यू अंकल। क्या हुआ? छोटे शास्त्री जी आए हैं, अब मैं पकड़ी जाऊंगी, अब क्या होगा? कचौड़ी कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, खाने को मिल जाए तो मूंग की पकौड़ी, कचौड़ी कचौड़ी। अरे बाबरी। अरे पंडित जी, पहले बताते तो मैं आपको बाइक पर लेने आ जाता। काहे बेचारा पंडित के जान लेने पर तुला है, मोह माया तो हम छोड़ दिए हैं, इकलौती जान बची है, अब उसके पीछे काहे पड़े हो भाई। वैसे तुम्हारा कैसा चल रहा है? पूजा की वजह से सब ठीक चल रहा है। पूजा, ये कौन है? अरे वो बड़े शास्त्री जी के यहाँ से आई है। अरे वो कुतिया। उसे कुतिया ना कहो पंडित जी, ताऊ जी ने उसका नाम पूजा रखा है। तो कुतिया के नामकरण भी हो गया, क्या नसीब लेके पैदा हुई है कुतिया। दोबारा कुतिया कहा ना तो लात मार के घर से भगा देंगे। ओह नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। हमारा गुरु जी ने प्रसाद भेजा है आपके खातिर। अजी उनका ही आशीर्वाद है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। आप बैठिए ना। पूजा कहाँ? आ रही है। चाय लीजिए। पंडित जी, शास्त्री जी ने पूजा के बारे में पूछा तो नहीं? अरे वाह, वो काहे पूछेंगे, वो सब जानते हैं कि वो आपके यहाँ सुरक्षित है। आप क्या बात करते हैं? पूजा ने तो हम सबका दिल जीत लिया है।
वो बहुत ही अच्छी लड़की है। लड़की चार पैरों वाली कुतिया दो पैरों वाली बन गई है। ये तो थोड़ा मोटा आ गई है। अरे वो मोटी दिखती है पर खाती कम है, शर्माती ज्यादा है। अमीरन के यहाँ कुत्ते शर्माते भी है। काटती तो नहीं है, वो बच्ची नहीं है जो काटेगी, अब उसकी उम्र शादी की हो गई है। कुतिया की शादी? शास्त्री जी पूजा के लिए लड़का तो नहीं ढूंढ रहे? पता नहीं हम कौन सा पागल खाने में आ गया हूँ। गुरु जी का तो ऐसा प्लान नहीं है, उसको तो कोई ना कोई अपने आप मिल जाएगा। जोड़ी तो अपने आप बन जाएगी। वैसे भी उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं। थोड़ा और रुका तो मैं भी कुत्ता बन जाऊंगा। अब मैं चलूंगा। ठीक है पंडित जी, गणपति शास्त्री जी को हमारा प्रणाम कहिएगा। कह दूंगा। अरे खाना तो खा कर जाइए, आज उपवास है मेरा। ये कौन है, ये लड़की कौन है? ये हमारे घर की नई नौकरानी है, कुमारी नाम है इसका। सुशील लगती है। अरे ये कैसे हो गया? किसने इसे तोड़ दिया? मैंने किया अंकल। What? वो गलती से टूट गया। कैसे हो गई ये गलती? यादों का मतलब समझती हो तुम? उनकी कीमत जानती हो? शास्त्री जी ने तुम्हें यही सिखाया है? दूसरों के घर में जाकर कैसे बिहेव किया जाता है तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? तुम दोनों को भी बुद्धि नहीं है। मेहमानों का ध्यान रखना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। तुम मेहमान हो, मेहमान की तरह ही रहो। इसी वजह से इस बार तुम बच गई, समझे? पूजा, भाई साहब। क्या हुआ? शील तोड़ने वाली वो पूजा नहीं। क्या कहा? तो फिर मैं थी। पूजा एक मिनट, मेरे लोग मुझसे इतना बड़ा सच कहने से डर रहे थे, लेकिन तुमने उनका इल्जाम। अंकल, आपके परिवार के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और इसीलिए डरते हैं। इनके दिल उस टूटे हुए शील से भी ज्यादा नाजुक है अंकल। अगर उस वक्त आप आंटी से कुछ भला बुरा कह देते तो उन्हें बहुत बुरा लगता, और आपको उन्हें डांटने पर ज्यादा बुरा लगता। मैं ये बात जानती थी और इसलिए मैंने झूठ बोला। I'm sorry बेटा। अरे अंकल आप क्यों सॉरी बोल रहे? तुमने बहुत बड़ा काम किया है। छोटी सी गलती की वजह से यह हंसता खेलता परिवार टूट सकता है, ये मैं जानता हूँ। छोटी होने के बावजूद तुमने कितनी बड़ी बात सोची। मेरी फैमिली को टूटने से और मेरी फैमिली के प्यार को बचाए रखने में तुमने अच्छा काम किया है। गॉड ब्लेस यू बेटा। अगर उस ग्लास शील्ड के टूटने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेता तो क्या ये प्यार मुझे मिल जाता? अगर ऐसा होता तो तुम टूट जाते। फिर तो अच्छा हुआ मैंने नहीं कहा। इस लड़की का नाम है भवानी। बाप करोड़पति है। इतनी अमीर है? इसको खुद पता नहीं पैसा कहां से आता है। कलर व्हाइट लेकिन सारी संपत्ति सिर्फ ब्लैक। ये लड़की एजुकेशन में थोड़ी कमजोर है पर खूबसूरती धमाल है, चलेगी ना? ठीक ठाक ही है। अरे लड़की नहीं, लड़की का बाप बहुत पैसे हैं। मतलब फेल, बिल्कुल नहीं चलेगी। इस लड़की का नाम है सुपर्णा एस। बॉर्न इन US, नो ब्रदर्स नो सिस्टर्स, फादर IPS, मदर IAS। आई विल फिक्स इफ यू से यस। ऑलमोस्ट 90% ओके। वेरी गुड। तो इस लड़की को हाँ बोल दू ना? मैं तो अच्छी जोड़ी रहेगी। बहुत अच्छी है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अरे अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो?
एक मिनट बाथरूम से आ जाओ, सोच कर बताता हूँ। सोचने के लिए बाथरूम जाना पड़ता है। तुम पे गया है ये। अरे इन दोनों के बीच तो जरूर कुछ पक रहा है। पूजा पूजा, इम्पोर्टेंट बात के बीच में हिचकी क्यों? कमर्शियल ब्रेक की तरह। तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हें एक लड़की पसंद है, तो क्या तुम उसका वेट नहीं करोगी? उस लड़की को मैं अब कहाँ ढूंढने जाऊंगा, वो मिल ही जाएगी, इसकी क्या गारंटी? बेहतर है कि मैं उसे भूल जाऊं। तुमने इसके लिए बुलाया था? मैं चलता हूँ। एक मिनट एक मिनट। अब क्या है? तुम फोटो देख के शादी करोगे? बिल्कुल, ये इंडियन मेंटालिटी है। तुम्हें लड़की देख कर शादी करनी चाहिए, तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे लिए बनी है। उस लड़की के लिए तुम कोई भी और कैसा भी जोखिम उठा सको। लड़की सही कह रही है, जो क्वालिफिकेशन बताई वो उस लड़की में है। अगर तुम अब भी नहीं समझ पाए तो तुम आदमी नहीं हो। तुम क्या मुझ पर शक कर रही हो? छोड़ो, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम ऐसे बर्बाद हो जाओ पर मुझे क्या, तुम किसी भी सुबम्मा से शादी करो। सुबम्मा नहीं, सुपर्णा। राम, बाथरूम में जाके क्या सोचा तुमने? बेटा बताओ ना। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। 90% ओके था फिर भी बदल गया। पर लाइफ पार्टनर तो 100% ओके होनी चाहिए ना। अच्छा तो तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? बोलो। मैं उससे शादी करूंगा जो सुंदर और सुशील हो और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। और उसी लड़की को मैं 100% प्यार से संभाल के रखूंगा। और फिर हमें क्या पता कि वो लड़की यहीं कहीं हमारे सामने है, बस हमें दिख नहीं रही। हे राम, मैं एक कथक क्लासिकल डांसर हूँ, मेरा बिहेवियर तुम्हें भी क्लासी नहीं लगता क्या? नो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये हिंदी फिल्मों की हीरोइनों की तरह ड्रामा मत करो। खैर बात क्या है बताओ। पहले तो मुझे कोई घास भी नहीं डालता था, बड़ी मुश्किल से पूजा मेरी जिंदगी में आई है तो तुम उसको भी खींच के ले जा रहे हो। लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप। मत लगाओ, मुझे शौक लगता है। पता है तेरी वायरिंग ढीली है तभी तो शौक लगता है। पूजा तुमसे मिलने यहाँ नहीं आई है, उसे मैंने यहाँ भिजवाया था। What rubbish? दरअसल हुआ ऐसा था कि वो मुझे बात क्या है, आज घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा? सब लोग बड़े शास्त्री जी के यहाँ गए हैं। और वो लड़की पूजा कहाँ गई? वो भी साथ गई है। पूजा, क्या राम से तुम सचमुच प्यार करती हो? मुस्कुराने से ज्यादा ये क्या कहेगी। हम गणपति शास्त्री जी के पास तुम्हारा हाथ मांगने के लिए ही जा रहे हैं। उतरो उतरो, सब लोग यहीं उतरो। काफी साल। अच्छा सुनो। हाँ बराबर। इस तालाब में स्नान करके मनुष्य की समस्त इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। तुम सब लोग यहाँ नहा लो, मैं जरा शास्त्री जी के पास जाता हूँ, पूजा के बारे में बात करना। हाँ, नहा लो सब। ए, सामान लेकर आओ। पूजा चलो चले। प्रणाम शास्त्री जी। ओ रघु, सब ठीक है ना? हाँ, मैं आपके पास एक बहुत ही खास बात करने के लिए आया हूँ। आपने जिस लड़की को भेजा था। नहीं, मैंने तो कोई लड़की नहीं भेजी। हाँ? यहाँ पर कौन लेकर आया है? आप मुझे ढूंढते हुए आए हैं ना, तो चलिए। कौन है ये सब? देवी चामुंडेश्वरी, मैं यहाँ एक प्रार्थना लेकर आया था, आपने मेरी प्रार्थना पूरी की। Thank you.
उसके वीजा पासपोर्ट मिलने तक वो यहाँ वहाँ भटक रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। और उसके बाद तुझे पूजा से प्यार हो गया? और वो लोग शरीफ आदमी तो जरा भी नहीं लग रहे थे, बेचारी पूजा। बेटा, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अगर इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं दोगे तो ये बुजदिली होगी। नालायको, तुम लोगों को गाड़ी दी, आदमी दिए, पैसा दिया, उसके बाद भी बेशर्माओं एक लड़की को ना ढूंढ पाए। जल्दी से उस लड़की को ढूंढ, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके इसी जमीन में गाड़ दूंगा। अगर तुझे मेरे यहाँ काम करना है तो कहीं से भी पूजा को लेके आ, पूजा को। अरे मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं उस फोटो वाली लड़की के लिए आया हूँ। उसकी फोटो है मेरे पास, एक मिनट अभी दिखाता हूँ। ये देखो, वाओ, शी इज सो ब्यूटीफुल। देखो, मेरी माँ अपने भाइयों को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरे पिता को मनाया कि वो अपनी बहनों की शादी उनके भाइयों से कर दे। फिर हम लोग डैडी के साथ अब्रॉड सेटल हो गए, लेकिन वो संसार में जहाँ भी गए अपने गांव और अपने घर को नहीं भूले। मेरे डैडी चाहे जितने भी बिजी हों, लेकिन वो मेरा बर्थडे गांव में सबके साथ मनाते थे। वो खुशियाँ ही अलग थी। एक दिन छोटे मामा जायदाद के लिए बड़े मामा से झगड़ गए और फैमिली टूट गई। मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मेरी शादी पूरे परिवार की मौजूदगी में हो, पर वो पूरी नहीं हुई। दोनों एक एक्सीडेंट पे गुजर गए और इसलिए मैं अमेरिका से यहाँ आ गई। मेरे मामा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवानी चाही। अब मैं क्या करूं? एक आइडिया है। क्या हुआ, कहाँ थी तुम? मैं बड़े मामा के यहाँ से भाग आई हूँ। अच्छा चलो। और जब मैंने पूरी छानबीन करवाई तो मुझे ये पता चला कि उन दोनों परिवारों का ऑडिटर एक ही आदमी है, और वो बैंक के कामों के लिए, ऑडिट के कामों के लिए हफ्ते में एक बार शहर में जरूर आता है, और उसका नाम एमसी कृष्णमूर्ति है। हेलो एमसी मूर्ति, बोलो छो। मैं हूं सू कुमारी। सू छे? यू मेनी मेनी रुपीस बैंक में जमा किया के नहीं? मैंने सुन रखा है कि पीपल ईट एंड मनी रन एंड गोइंग गोइंग। मेरी फिकर कर रही है या डरा रही है मेरे को? नो नो, आई नो मीनिंग। अरे मेरे पास 25 लाख है, जबकि मैं करोड़ों लेके चलता हूँ गांडी। ये ली, फोन रख। अरे मोटा भाई, एक डीडी चलान देना ने। सर ये ले लीजिए। अरे थैंक यू, वेलकम। सर आपके शर्ट में इंक लगी है क्या? अरे Oh,
के छोटी बहन मोटा भाई, मैं एक दो नहीं पूरे के पूरे 25 लाख लेके आया तेरी चोरी हो गए। चोर यहाँ अंदर थोड़ी होगा, बाहर जाके ढूंढो। ए सुक्कु, अरे सुक्कु डोर ओपन ने। लुकिंग यू व्हाई घबराइंग? अरे रे हुआ क्या? अरे वो बाद में पूछ, पहले सामान बांध और यहाँ से चल। अरे हैपनिंग वो? मारा 25 लाख चोरी थी गया, मैं तो लूट गया, वो ठाकुर मुझे मार डालेंगे। तुम लूट गए हो? अरे हेड हो के पीएर हो के तुम लूट कैसे सकते हो? अरे हड़क पदड़ी मुंह बंद कर। अरे यहाँ से चलने का बंदोबस्त कर दे। लगता है मेरा खाता हमेशा के लिए बंद होने वाला है। देख अगर कोई पूछेगा नहीं तो बोलना कि मैं घर पे नहीं हुआ। क्या ये एमपी शर्मा का घर है आंटी? आई डोंट नो। अच्छा, पर इस ब्रीफकेस पर तो यहीं का एड्रेस लिखा हुआ है, इसलिए सोचा लौटा दूं। नॉट सेइंग इधर ही रहते हैं। ओके, और आप उनकी क्या लगती हैं? वो आ जाएंगे तो पूछ के बता दूंगी। हां सर गांडी, ये लीजिए, ये मेरा है। ओ लक्ष्मी घर आ गई। छोटा भाई तेरे को ये कहाँ मिला? मैं बैंक के बाहर चाय पी रहा था। एक आदमी ये ब्रीफकेस लेकर भाग रहा था, डाउट हुआ इसलिए उसे बहुत पीटा। ब्रीफकेस पर यहाँ का एड्रेस था तो इसलिए मैं। उस बेवकूफ ने तो मेरा ब्रीफकेस चुराया, लेकिन तूने तो मेरा दिल चुरा लिया ने भाई। तेरा नाम क्या है? राम कृष्णा गोपाल कृष्णा, वैसे लोग राम कहते हैं। तू तो मेरे लिए भगवान राम बन के आया ने। ये 10 रख ले, संभालना कोई चुरा ना ले भाई। सर दुआ कीजिए कि ऐसा इनाम मुझे रोज रोज मिले। वैसे आप नहीं भी देते तो भी चलता, थोड़ा सा खाना और एक ग्लास पानी भी देते तो चलता। ठीक है। अरे सुको, रात का खाना फ्रिज में रखा कि फेंक दे दूं? नाइट में पुट इन फ्रिज। अच्छा, ये बेचारे बच्चे को खिला दे। हां जा बेटा खा ले। हां खा ले। ओके सर। तू इधर किस काम से आया था? दरअसल सर, मैं एमपी शर्मा नाम के बहुत ही फेमस ऑडिटर से मिलने आया हूँ। मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, मेरी इंस्पिरेशन है सर। साइंटिस्ट के लिए अब्दुल कलाम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बिल गेट्स, वैसे ही ऑडिटर के लिए फेमस एमपी शर्मा सर, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ उनका शिष्य बनने के लिए। तू तो बड़ा लकी है ने। ये ले और खा। तू जिसे ढूंढ रहा था वो तेरे फ्रंट में खड़ा छे, एमसी कृष्णमूर्ति। सर वो आप ही है? तुझे नहीं है कोई रिक्स, क्योंकि तारी नौकरी है फिर। सर आप महान है सर, आप मेरा अन्नदाता है। अरे इसकी पनिशमेंट मिलेगी सर, अली बहुत कम मिलेगी। ये साला तो कुत्ते से भी हड्डी छीन कर चबा जाए। तू भी मुंह क्या देख रही है? जाके पापड़ तल के लेके आना। आई ब्रिंगो। अब काम की बात, मेरे कंपनी के 2 क्लाइंट हैं। एक तो है बड़ा ठाकुर और दूसरा है छोटा ठाकुर, दोनों अनपढ़ हैं। अंगूठा छाप। मैं एक टॉक पूछता हूँ, इनकम टैक्स साल में कितनी बार भरा जाता है? एक बार भरते हैं सर। मैं 10 बार भरवा के जेब में रख लेता हूँ। पर ये तो पाप है सर। पाप ही पेट के लिए पाप करना ही पड़ता है, और वैसे भी उनकी कमाई पाप की है, हम तो सिर्फ है भोगी। एक दिन मरेगा ये ढोंगी। क्या बोला सर? यू आर सुपर्ब सर, सुपर्ब। अब दूर होगा लाइफ का टेंशन। अब लोटे को ले ले तू थाम। चीयर्स। ये व्हाट नॉइज है सर? मैसेज आया है। तेरे पास मोबाइल है? हाँ सर, इंस्टॉलमेंट पे लिया है। मोबाइल से उन्हें एलर्जी है, कान काट देंगे तेरा। चल रख दे, डिक्की में मुकी दे, रख दे। सर नमस्ते सर। क्यों कुछ लंबा हाथ मारा है मूर्ति? अरे सर हम लोग का लंबा हाथ मारेंगे ने? अपनी औकात के हिसाब से ही मारेंगे ने। सर जरा लीजिए सर। ये हमारे मंदिर का प्रसाद है ना, पूरा खा लीजिए। कौन है ये? मेरे गांव वाला है, असिस्टेंट में रखा है। ए, तुझे कितनी बार समझाया कि हमारे इस बिजनेस के बारे में किसी और को बताना चले? सर ये और कोई नहीं, मेरी बहन का बेटा है, मेरे स्वर्गवासी जीजा का। सर जरा शक्ल देखिए ना, है ना डुप्लीकेट, सेम टू सेम, कलर की पूरी गारंटी है बचपन से। बुढ़े होने पर मेरी शक्ल आप जैसी होगी? अरे गांडी ना डाचू बनकर। इसे काम वाम मालूम है ना ठाकुर साहब? अमेरिका के शिकागो में चंद्रशेखर जी है ना, पूरे 500 करोड़ के मालिक, ये उन्हीं के पास अकाउंटेंट था ने। ये शिकागो के चंद्रशेखर कौन है? कोई नहीं है, तू मुंह बंद रखे। गलत बात मामा जी, ये तो पाप है। सच कहा तो दोनों का फाफड़ा जिलेबी बन जाएगा। ओ मेरे शेर का बच्चा, इधर आ प्याला प्याला। क्या रे मूर्ति कैसे है? नमस्ते जूनियर ठाकुर, आपका हाथ सर। ठीक है, ये चिरकुट कौन है? ये मेरा भांजा है। अगल से पैदल है क्या, झुक के सलाम कर। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या बोला? देखो जब बड़े लोग छोटों को नमस्ते करते हैं तो वो मर जाते हैं, करू क्या? रुक 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 रुक, चल रहने दे। ये मूर्ति जूनियर ठाकुर, नाक की सर्दी की वजह से झुक नहीं सकते। कहा ना झुक,
नहीं जूनियर ठाकुर। दिमाग मत खराब कर, हाथ में खुजली हो रही है, बोला ना झुक। लो झुक गया जूनियर ठाकुर। ढाई किलो का जब तक किसी पे पड़ता नहीं है पूरा दिन बेकार जाता है। क्या हाथ मारा जालिम सिंह, न काम का न काज का, थू गधा कहीं का, हाथी की तरह खाता है यमराज का भैंसा, खा खा के गुब्बारे की तरह फूल गया है तू। रोज रोज लोगों का सर खाने से अच्छा है कहीं से एक बड़ा सा पत्थर लाओ खुद के सर पे मार, निकम्मा कहीं का। दादाजी स्कूल में सभी चोटी की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। गैंडी जैसा शरीर ऊपर से पूंछ में मजाक तो उड़ाएंगे, जा नहीं तो थप्पड़ खाएगा। अगर आप कहे तो मैं ये चोटी। गधा कहीं का, ये सिर्फ चुटिया नहीं है, परिवार का गौरव है। अगर किसी ने तेरा मजाक उड़ाया उसको काट डालूंगा। आज के बाद चुटिया काटने की बात कहने की हिम्मत तू भी मत करना। ठीक है दादा। इनको समझाना तो पत्थर पे सर पटकने जैसे। बड़े ठाकुर क्या है, टाइम थई गयो बड़े ठाकुर। तो क्या वो इनकम टैक्स कटेगा? कितना? कुल मिला के 15 लाख। 15 लाख रुपया? रात भर गणित करके इतना ही निकाल पाया ठाकुर साहब। क्या बात है? मैंने वो आवाज फिर से सुनी है, मेरे दिमाग में वो आवाज गूंजती रहती है। सर क्या बेवकूफ बनाया उन लोगों को? इन गेंडों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। लेकिन सर जब उस बच्चे ने आपको मारा ना, मेरा मन क्या मैं हाथ उठा दूं? उसी इंसर्ट की तो कीमत है 15 लाख। ग्रेट सर, ग्रेट। अरे यही तो काम है मेरा, इन घामड़ियों को टोपी पहनाना। लेकिन सर आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप बचपन से ऐसे हैं? अरे तू टेंशन मत ले, मुझे तो सिचुएशन के हिसाब से झूठ बोलने की आदत है। ये एक कला है जो कलावती ने सिखाई है। अब पूछना मत कलावती कौन है। यस सर। क्या समझा? यही कि अपना किसी को चेहरा पसंद आए, जबान आनी चाहिए। चलिए ना सर। हाय हैप्पी, कैसे हो? सोचा था हसीनाओं के गालों को छूंगा लेकिन मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हें लिफ्ट दी थी उसी दिन से मेरी खुशी लिफ्ट हो गई। मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगी, अगर तुम उसे फॉलो करोगे ना तो फ्रीडम गारंटी। सर जब मैं गाड़ी साफ कर रहा था मेरे दिमाग में एक आइडिया घुसा। सर अब बक दो। सर आपको ये पता करना था ना कि आपकी भांजी को किसने किडनैप किया था, है कि नहीं? मैं आपको अभी फोटो देख कर बता सकता हूँ। अबे ट्यूबलाइट, बड़ी देर में तेरी बत्ती जली है। जाओ और फोटो लेकर आ। अरे जल्दी लेके आओ, मैं भी अभी तक कुआ रहा हूँ। मुझे तो लगता है तेरी बुद्धि तेरे घुटने में समा गई है, खोपड़ी तो तेरी बिल्कुल खाली है। ये नहीं है सर, ये ही है सर, इसे ध्यान से देखिए सर। ये हमारी तरफ का नहीं है। ए, चटिया गया है क्या? ठीक तरह से पता नहीं तो तेरा चेहरा चपटा कर दूंगा, फिर उस पर रोटी बेलना। भैया 100% यही था आज ये और कल। अब तुम जाओ। आपका शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सर मैंने पहले भी कहा है और फिर से कहता हूँ, 3 भैया बहुत डेंजरस है सर, वो ये शादी नहीं होने देगा। देख लेना सर, जाता हूँ सर। रुको। रुकता हूँ सर। तो ऐसा है, अगर तुम मेरे फायदे की बात कर रहे हो तो शादी होने तक यहीं रुको। माफ करो सर, मैं पैर पड़ता हूँ सर आपके, मेरी दूसरी बीवी। इसको ले जाओ, हटाओ हटाओ इसको, इसको यहाँ से हटाओ। मुझे मत लेके सर, मुझे जाने दो सर। सर रहम करो सर, छोड़ दीजिए सर। बताओ मूर्ति, बड़े भैया तो वो दारू वाला केस जीत गए? उसे भूल जाइए, मेरे वाले आइडिया से आप दारू के ठेके वाली समिति के अध्यक्ष बन जाएंगे। यस सर। ये कौन है? मेरा भांजा है, इसका नाम राम है। नमस्ते। नमस्ते सर। छोटे ठाकुर अकाउंट में ये एक्सपोर्ट है, शिकागो के चंद्रशेखर जी है ना, बहुत अमीर है ना वो लोग, वहाँ पे अकाउंटेंट था। छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर की नजर है इस पे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये आप दोनों की अकाउंट देखेगा। ये दोनों के देखेगा? वैसे ही जैसे शिकागो चंद्रशेखर और डॉलर दिनेश के ये वहाँ पे देखता था ने। छोटे ठाकुर इसने पूरा अकाउंट बना दिया है, अगर आप चेक करना चाहते है तो। मैं ये सब हिसाब किताब नहीं जानता, तुम ही देखो और टैक्स पे करो। ऐसा मत कहिए मामा जी, कहते हैं कि आम के साथ साथ गुठली का भी हिसाब रखना चाहिए। यहाँ कोई किताब ना होने की वजह से मैं बोर हो गई हूँ, तो लास्ट ईयर की मैंने अकाउंट बुक्स देखी, उसमें 13 रुपए का फर्क था, 13 रुपए का। उतना ही ना, उसे भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं, आज 13 रुपए की बात है, कल 13 लाख की होगी तो। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ए मूर्ति, सारा अकाउंट्स मेरी भांजी को दिखा,
तुम इनके असिस्टेंट हो? जी हाँ मैडम। इंग्लिश आती है? थोड़ी बहुत आती है। अकाउंट बुक्स लेकर रूम में आओ। मारी नानी मोटी भूल जरा संभाल लेना बका। आपने झूठ बोलना सिखाया ना, अब कमाल देखिए। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, तू जाने बा। चलो। ए, मूर्ति, गवर्नमेंट हमेशा सच कहती है, अगर आप हो पढ़े लिखे तो उधार से आपको मुक्ति मिले, समझे क्या? सही कहा ना? ये मामा का लड़का जब देखो तब मेरे पीछे पड़ा रहता है, सबसे पहले उसका अकाउंट सेटल करो। बस इतनी सी बात, पहले अपना अकाउंट तो सेटल करूं। राम कोई देख लेगा। आंखें बंद कर लो, कोई नहीं देखेगा। प्लीज प्लीज राम छोड़। अरे क्या हुआ? सॉरी सॉरी प्लीज सॉरी राम, बोलो ना स्टूपिड। कहीं ये राम सतयुग वाला राम बन के मेरा कचुंबर ना बना दे। चलो देखता हूँ क्या गणित चल रही है, क्या तोड़ रहा है क्या जोड़ रहा है। ये तो फोड़ रहा है। अरे कहीं किसी ने देख लिया तो मैं भी इसके साथ फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे राम कटवा देगा। तो जरा अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उसके पास जाएकर जिससे वो तुम्हें पसंद करने लगे। मूर्ति, इतना पसीना क्यों छूट रहा है? क्योंकि वो तुम्हारे अकाउंट देख रही है। मेरी भांजी है, खटिया खड़ी कर देगी तेरी। खटिया का तो सही इस्तेमाल अंदर हो रहा है, पता चला ना? तो आप चलो। नहीं नहीं आप चलिए, मैं अंदर जाकर उनकी मदद करता हूँ। मेरी भांजी उसे काम के बीच में छोड़ेगी नहीं, उनको निपटने दे, तुम साथ आओ। इसी बात को तो टेंशन है कि वो उसको छोड़ेगी नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ गलत नहीं होगा, तो चल। ठीक है ठाकुर साहब, बद मुझे मत कहना। छोटे ठाकुर, अब क्या? अब जी को रोकिए, वो बिटिया के रूम में जा रही है ने? जरा उन्हें भी चेक कर लेने दो। इतने लोग चेक करेंगे तो मेरा भांजा थक जाए। मेरी बीवी को भी हिसाब किताब आता है, वो भी उसे चेक कर सकती है, तू चल। ठीक है। पूजा, पूजा मेरी बेटी जैसी है, ये सारी उम्र खुशी से बिताए यही मेरी इच्छा है, पर यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम इसे यहाँ से ले जाओ। आंटी जी, पूजा आपको वैसे ही प्यार करती है जैसे आप उसे करती हैं, और मैं नहीं चाहता कि ये आपको मिस करे, वो भी मेरी वजह से। जैसे इसके माँ बाप की इच्छा थी कि पूरा परिवार हमारी शादी में शामिल हो, वैसा ही होगा। लेकिन ये लोग ना समझ है और ये तुम्हें गलत समझेंगे। बेवकूफ को दुनिया घुमाती है, और जो बुद्धिमान होता है वो दुनिया को घुमाता है। मैंने सब संभाल लिया सर, लेकिन सच कहूँ आप ग्रेट है सर। अरे चुप करना लायक। क्यों सर? मेरे अंदर फायर जल रही है। क्या हुआ सर? तू और वो कैसे बिस्तर पर लिपट कर गिरे थे, मैंने सब देखा। ओ, पर पहले वो मुझ पर गिरी। आपको ये सब चोरी छुपे नहीं देखना चाहिए। चोरी छुपे नहीं तो क्या टिकट लेके देखता? अबे गधेड़े, इनके चक्कर में पड़ेगा नहीं तो घन चक्कर बन के रह जाएगा। अब भी कुछ प्लस माइनस बचा है तो कर ले। मैंने तो सिर्फ अकाउंट चेक करने को बोला था, उसे चेक करने को नहीं। चल। ये क्या किया? कोई देख लेता तो क्या हुआ? डर से मैं चुप बैठूं क्या? शाम को फिल्म देखने चले? अच्छा, तो अंधेरे में हम तुम दोनों। मत करो, हाथ हटाओ ना। तुमने तो कहा था थिएटर में अंधेरे में। ये कहा था? सॉरी मैं भूल गई थी, कुछ खाने को लाओ ना। अच्छा मैं अभी लाता हूँ। अरे कहाँ चली आ रही है? दो तीन में घुसेगी क्या? अरे तेरी तो मेरे साथ कबड्डी कबड्डी खेल रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा, कहाँ जाएगी? चलो अब यहाँ आया हूँ तो हल्का हो ही लेता हूँ, लेकिन सभी इतने चकाचक लग रहे हैं कि गंदा करने का मन नहीं कर रहा है। आईब्रो काफी बढ़ गए हैं, करवाने पड़ेंगे। कौन है तू? कृष्ण। कृष्ण सिनेमा में था, तू बाहर कैसे आ गया? तुझे सिनेमा दिखाने आया। क्या कहा? मैं पर्दे से झांक कर देख रहा था, तू एक लड़की को तंग कर रहा था, इसलिए तुझे सबक सिखाने आया हूँ। तू क्या मुझे सबक सिखाएगा? पिटेगा तब पता चलेगा। ट्राई तो कर। ट्राई।
क्रिश? क्रिश ने तुम्हें कैसे मारा होगा? स्क्रीन से निकलकर वो तुम्हें वहाँ मारने आ गया? वो सिनेमा में पूरा टाइम नहीं था, हल्का होने के टाइम में वो मुझे मारने आ गया। हाँ, इसको उसने ही पीटा है, आखिर ये खुद झूठ क्यों बोलेगा? यहाँ खड़े होकर कहानियाँ मत सुनो, तुम चलो अकाउंट चेक करना है। जी हाँ मैडम। बेटा, जिस लड़के की मेरी होने वाली उसे अकाउंट से क्या काम है? ए मूर्ति, तू इतना डरता क्यों है? यहाँ के सारे अकाउंट्स वही तो संभालेगी। तू जा बेटी, इसको लेकर भीतर जा। लौटने के बाद पूरा अकाउंट समझाता हूँ, ठीक है? क्या रे मूर्ति, क्या झोल झपाटा किया है? तेरे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? आपको जब झोल झपाटे के बारे में पता चलेगा ने, तब पता नहीं कि आपको कहां कहां से पसीना निकलेगा। राम ने कहा था वो आ रहा है, पर अभी तक नहीं आया। अगर उसने कहा है तो वो जरूर आएगा। दीदी। अरे पूजा, मेरी बच्ची। ज्योति, कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ। आप दर्शन करने ऊपर क्यों नहीं जाते? इतने सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा रे? भगवान खुद नीचे आएंगे ना। भगवान कैसे नीचे आएंगे? ऐसा कभी हुआ है जो अब होगा? ना है तो अंदर बैठे रहे। ऊपर नहीं जाना था तो आप यहाँ क्यों आए? घर पर ही बैठे रहते। क्योंकि दादी यहाँ किसी लड़के को छुपके से मिलने आने वाली थी, इसलिए तो दादा ने मुझे यहाँ भेजा उनकी जासूसी करने। कैसे हो बेटे, ठीक हो ना? हाँ दादा। तमीज से बात करो। ए, तू अपना मुंह बंद रख और हमारे परिवार के बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो। कितना तेज चल रही है। अरे रुक जा। अरे तू कौन है? असली का स्पाइडरमैन है क्या? और क्या, स्पाइडरमैन ही हूँ। तू मुझे डरवाया क्या? तू ग्रेट है या मैं ग्रेट हूँ ये देखने आया हूँ। ये मेरा इलाका है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही ग्रेट हूँ, समझा? ओ अच्छा, तो मुझे माफ कर देना। हाँ भाई को। अरे 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 छोड़ मुझे। माफ कर दो, मैं ले लूं, तुम ग्रेट। बड़ों से उल्टी बात नहीं करोगे, ये वादा करो। क्यों ना करूं? तुम जानते नहीं हो यहाँ पर सब लोग मुझसे डरते हैं और मेरे दादाजी यहाँ। दादा का तो नाम मत लेना, उसकी तो मैं बाद में फुंगी बजाऊंगा और तुझे मैं कील पर ठोक कर उल्टा लटका दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो तुम अपने से बड़ों की इज्जत करोगे ना? हाँ करूंगा। अच्छा चल पीछे घूम। पर क्यों? ताकि तेरी चुटिया काट सकूं। अरे नहीं, हमारे परिवार का गौरव है ये। क्या हवा में लहराता तेरे परिवार का झंडा है? चल पीछे घूम। बड़ा आया। मेरी चुटिया, मेरी चुटिया। दादाजी मुझे मार डालेंगे। बेटा, नहाने का पानी गरम करूं क्या? नहीं नहीं, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अरे वाह, मेरा गोलगप्पा सुधर कैसे गया? ये सब मैंने नहीं, स्पाइडरमैन ने किया। क्या? मामा जी, छोटे मामा मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी, मैं आपके बेटे से शादी करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, अपने सारे आदमियों को यहाँ बुला लो, छोटे पर हमला करना है। इस बार तहस नहस कर देंगे उसके परिवार को। ए, इनकी फैमिली मैटर से क्या मतलब? इनसे सिर्फ मेरा ही मतलब नहीं है, आपका भी है सर। देखिए, अगर आपके बेटे की शादी पूजा से हुई तो कितना मिलेगा? 100 करोड़ अमेरिकन डॉलर मिलेगा। वाह जी वाह, 100 करोड़ जैसी छोटी रकम के लिए भाई से झगड़ा करने जा रहे? छे 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 छे। 100 करोड़ छोटी रकम है? अगर 500 करोड़ डॉलर लाने वाली लड़की से आप अपने बेटे की शादी करवाएंगे तो आप अपने छोटे भाई से जीत जाएंगे। बात तो सही है, पर वो आदमी कौन है जो मुझे 500 करोड़ डॉलर देगा?
है ना? कहाँ है? मामा जी, हाँ? शिकागो वाले चंद्रशेखर के बारे में बताइए ना। वो हाँ? 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 और उसकी प्रॉपर्टी भी बताइए। उसकी वैल्यू शायद 500 करोड़ होगी। हाँ? और उसकी लड़की के बारे में बताइए। लड़की वो कब पैदा हुई? हाँ वही जो जवान होके शादी के लायक है। हाँ, लड़की है यानी कि उन्हें शादी के लिए एक लड़का चाहिए। हाँ, हाँ, चाहिए बिल्कुल। तो फिर मामा जी बताना चाहिए था ना। किसे और कौन है? और कौन है? हाँ? अपने सरजी का बेटा सुंदर और सुशील है। ए मूर्ति, मैं नहीं जानता तू ये कैसे करेगा। हाँ? ये 500 करोड़ डॉलर का मामला। हाँ? है मेरे बेटे से उनकी लड़की की शादी होनी चाहिए, समझ गया ना? कुछ नहीं समझे। मैं समझ गया सर। तो अपने अंकल को समझाना कि हमारी फैमिली इज्जतदार है। ये ले तेरा बैग। मैंने तुझे नौकरी दी, तूने मुझे धोखा दिया। ये तूने क्या किया? ऐसे लफड़े में फंसा दिया। सर मैंने क्या किया? सर क्या किया? अरे मैंने वो शिकागो वाले का टेम्पररी कैरेक्टर बनाया था, तूने परमानेंट कर दिया। अब उसे मैं कहाँ से पैदा करूँ? बोल। यू हियरिंग? अरे माँ तू ना खा, जल्दी बोल। शिकागो चंद्रशेखर ने मॉर्निंग फ्रॉम 1-2-10 फोन कर दिए और उनको ना यहाँ का एक अच्छा लड़का चाहिए था जो उनके लिए अच्छा गेस्ट हाउस बुक करवा सके। फिनिश हुआ। सर अब ये क्या बात हुई? आपने उनके बारे में कहा क्योंकि आप उन्हें जानते हैं, तभी तो उनका फोन आया। अरे भाई तेरी प्रॉमिस खा के तो मैं उन्हें नहीं जानता। सर वैसे एक बात बताऊं? वो क्या? इसे सबकॉन्शियस मेमोरी पावर लॉस कहते हैं। देख मुझे गांडा भाई मत बना। माइंड के 3 स्टेज होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। आपकी बीमारी है सबकॉन्शियस। और क्या, पहले आपकी किसी से मुलाकात होती है, जब कुछ दिन आप उन्हें नहीं मिलते तो आप उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन दिमाग की मेमोरी में वो हमेशा रहते हैं। मानता हूँ कि इस वक्त आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए हैं, और ये भी नहीं कि आपको किसी इलाज की जरूरत है। तो उसने अपनी लड़की की शादी की बात मुझसे की थी? वही तो, आप पागल थोड़ी ना है। मुझे पागल पागल बोल के तू मुझे सचमुच पागल कर देगा। आप खुद पे शक करें तो ठीक है, पर आपने मुझ पर शक किया। मैं हर्ट हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। राम 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 राम, इस मुसीबत में छोड़ के मत जाओ। तुम अपने कमरे में जाओ और सबमरीन के बारे में सोचो। सबमरीन नहीं सर, सबकॉन्शियस मेमोरी पावर पहली स्टेज, दूसरी है बीजी। यूं तो मैं उसे जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कहता है तो मान लेता हूँ। देखो शायद, देखो रामू जिस आदमी को मैंने झूठ मूठ का बनाया और ये गेस्ट हाउस भी बुक किया, क्या वो नक्की आएगा ना? आएगा सर, सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। मूर्ति, उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? जाकर पता लगाओ। मैं कैसे बताऊं, मैं तो उसे जानता भी नहीं। बस वो आ रहे हैं, आप अंदर बैठिए ना। Shall we go? Hello, sir. Hey, Murthy. How are you? ऐसे क्या देख रहे हो? It's me, Chandrasekhar. Chandrasekhar from Chicago. Come on. चलिए sir. Come in, please. Come in. चलिए ना. क्या देख रहे हो? चलिए sir. आइए सर, बैठे बैठे। आपका स्वागत है। ये कौन है? चिपकते क्यों? इनको मैनेज नहीं है क्या? ए ए मूर्ति, इनको बताया नहीं क्या? बता ना, बता। सर ये खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे हैं, मैं बात करता हूँ। सर ये है ठाकुर साहब, इस गांव के सबसे बड़े आदमी, और ये आपसे बात करेंगे। वेट 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 10 मिनट्स, फ्रेश हो जाते हैं हम। मूर्ति तुम इन लोगों को नाश्ता पानी कराओ, हम अभी आते हैं। वो इतने सालों बाद मिले ना, इसलिए खुशी के मारे इनकी जुबान ही चिपक गई है। ये कुछ मिनट में ठीक हो जाएंगे। आप बैठिए बैठिए बैठिए, चलो अंदर चलते हैं। अचानक पता नहीं क्या हो गया इस मूर्ति को। सॉरी आपको वेट करना है। कोई बात नहीं, आपके बारे में मूर्ति ने बड़ी तारीफ की है। मूर्ति जी हमारे परिवार से बहुत प्यार करते हैं। बाय द वे उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। आप अपनी लड़की के लिए यहाँ संबंध खोजने के लिए इतनी दूर से आए हैं, मूर्ति ने बताया था। अच्छा, पर मैं पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देता, संबंधों को देता हूँ। मेरी तरह ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, इसने 5 क्लास पास किया है। इसकी अगर आपकी इकलौती लड़की से शादी हो जाए। मूर्ति तुम्हें मालूम नहीं कि क्या पोजीशन है हमारी, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं?
ये लोग हमारे लायक कहाँ? जाके बाहर भेजो इन्हें। मेरी बात तो सुनिए। नाराज है, बुलडोजर गेट आउट। छोड़िए, मुझे मारोगे? आप जाइए। पता नहीं किस तरह के मारते, मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं सर? यहाँ ये, चलिए चलिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, सुपर्ब ताऊजी, फर्स्ट क्लास एक्टिंग की आपने। तुम मुझे क्या समझते हो? दो बार गोल्ड मेडल जीता है मोनो एक्टिंग में। राम। हाँ ताई जी, ये सब सच है, कोई सिनेमा नहीं जो ड्रामा कर रहे हो। ताई जी, आपको पूजा पसंद है ना? ऑफ कोर्स बहुत पसंद है, तभी तो इतनी दूर से हम यहाँ आए। फिर तो हम दिलवाले दुल्हनिया ले ही जाएंगे। हाँ, पर वो राक्षस जैसे। लक्ष्मी, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बहुत बाद में एक्टिंग शुरू की, लेकिन ये तो पैदाइशी एक्टर है, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ तो नेक्स्ट सीन क्या है? नेक्स्ट सीन ना आपका नहीं है, मेरा है। सर, उन्होंने आपके लड़के से शादी के लिए कुछ कंडीशंस रखी हैं। Okay. वो कंडीशन मामा जी और मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया। तू कौन है मना करने वाला? वो सारी कंडीशन मुझे बताए बिना तूने क्यों मना किया? और ये भी कहा कि उन्हें आपका फर्नीचर पसंद नहीं। कैसे कहूँ, पर उन्हें आप लोग दलाल जैसे दिखते हैं। यारे, हम उस दोगले को दलाल जैसे दिखाई देते हैं? देखा देखा, आपका बीपी बढ़ा है। बीपी नहीं, कुछ नहीं। उसने ये क्यों कहा? क्या धोती वोती उतार के और उसकी तरह सूट बूट पहनकर इधर उधर घूमे? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे हम वो भी करेंगे। और उनकी दो कंडीशन और है सर। कैसी दो और कंडीशन? उनका ये भी कहना है कि जब कहीं पर शादी ब्याह की बात हो रही हो तो वहाँ पर घर की औरतें भी होनी चाहिए। ये बात भी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन भी अब बता दो। बता दूं? बताओ। वो ये है। क्या है वो? आपको अपनी चुटिया काटनी होगी। चुटिया कटानी होगी? क्यों? आफ्टर ऑल सिर्फ 500 करोड़ डॉलर के लिए आप अपनी चुटिया कटाएंगे? नहीं, मैंने क्या दिया, इम्पॉसिबल है। तो क्या हुआ, हम दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे, है ना मामा जी? अब ये बताएगा, हर बार मामा जी कहते हो तो मामा जी बताएंगे। चुटिया तो दोबारा से उगाएगी, पर 500 करोड़ डॉलर क्या दोबारा से मिल पाएंगे? तो फिर दादाजी, इन पैसों के लिए अपनी चुटिया कटवा दीजिए। हाँ, तूने सही कहा, ये बच्चा मेरे जैसा है, चुटिया कटवा देते हैं। बापा, ये चिकागो चंद्रशेखर आ गया, उसकी फैमिली आ गई, फिर भी मेरे दिमाग में उसकी घंटी क्यों नहीं बज रही है? उसकी फैमिली के साथ मेरी इतनी क्लोजनेस है। ये बताओ, ये रोग जो मुझे हुआ है उसका नाम क्या है? हा? वो कोई रोग नहीं है, सबकॉन्शियस मेमोरी पावर लॉस। मतलब मेरे भेजे में कुछ गड़बड़ है? ऐसा कुछ लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ये लगातार चला तो माइंड और बॉडी की लड़ाई से सुसाइड की तरफ प्यार बढ़ने लगता है और ऊंचाई से कूदने का मन करता है। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मर जाने की गारंटी है। डराता क्यों है? इसकी कोई दवाई नहीं है क्या? है ना, तो बता। आंखें बंद करके जो हो रहा है उस पर यकीन कीजिए। ठीक है। अगर कंफ्यूज हुए, स्वर्ग और नर्क के चक्कर में अंत में भूत बन जाएंगे। तो ठीक है, मैं अभी से आंखें बंद कर लेता हूँ। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, मैं ऐसे ही करूंगा। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई। अब आप काफी बदल गए हैं। हम लोगों ने सोचा कि आपकी बात मान लेनी चाहिए। आपका लड़का हमें पसंद है, अब बस जल्दी से मुहूर्त निकाला जाए। बाय द वे, एक बात पूछूं, आपकी फैमिली में और कोई नहीं है क्या? मेरा कोई क्या है ना सर, इनकी फैमिली में एक छोटा भाई भी है। नहीं, छोटा भाई भी है? वो क्या है कि भाई के होते हुए आप अकेले शादी की बात करने आ गए? अरे नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं। दोनों भाइयों में ना राम लक्ष्मण जैसा प्यार है। एक्चुअली वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। मूर्ति। हाँ सर, बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्यार। ओके मूर्ति, ओके। हाँ तो फिर उनके लौटने के बाद ही हम सगाई करेंगे। ओके डार्लिंग, लेट्स गो। तूने मुझे कहीं कहीं छोड़ा।
तूने भाई का जिक्र क्यों किया? सच बताने में क्या बुराई है, उन्हें भी तो छन पकैया ने पैदा किया था। छन पकैया ये कौन है? वो आपके बापू थे। अरे हाँ, अब छोटे भाई को कैसे लेकर आएंगे? अब मजा आया। मुझसे दुश्मनी करके बड़ा भाई अब पछता रहा है। जानते हो, अब वो अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। उसकी हालत तो छटपटाते सांप जैसी हो गई है। बाबा, मुझे उसकी इस खिचड़ी में कुछ काला काला नजर आ रहा है। ए, बकवास बंद कर। अरे सब कुछ तो सामने है, खिचड़ी में काला? चश्मा उतार अपना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, रुकावट के लिए खेद है, ये है संपत्ति कर अधिकारी। हेलो, ये यहाँ क्यों आए? हाय पूजा, हाउ आर यू? फाइन अंकल। हेलो। तुम कौन हो? आई एम पूर्णचंद्र राव, रिकवरी ऑफिसर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। नाम विजया बैंक, कर्नाटका बैंक, इंडियन बैंक जैसा सुना है, वर्ल्ड बैंक जैसा कभी नहीं सुना। हमारा बैंक बहुत फेमस बैंक है। ठीक है, काम बोलो। पूजा के पिता ने हमारे बैंक से लोन लिया था, चुकाने से पहले वो स्वर्ग सिधार गए। अमेरिका की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली गई है, अभी भी 100 करोड़ बैलेंस बचे हैं। पूजा से ही पूछ लीजिए, है ना बेटी? ये सही कह रहे हैं मामा जी। हाँ, उसी की वसूली के लिए हम यहाँ आए हैं। उसके पास तुम्हारा लोन चुकाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद उसकी शादी मेरे बाबा के लड़के से है। वेरी गुड सर। इसमें गुड क्या है? वो ये है कि हिंदू एक्ट में पत्नी का पति के पैसे में 50% शेयर होता है, वो हिस्सा तो हम ले जाएंगे। ए, मैं नहीं दूंगा। सर, कानून तो यही कहता है सर। मेरे बाबा की तो लग गई। भैया महानुभाव, उसकी शादी अभी नहीं है, उसे 4-5 महीने और लगेंगे। लड़की देखने में महालक्ष्मी जैसी है, इसकी शादी जल्दी कराओ और मुक्ति पाओ, हमें भी मुक्ति दिलाओ। हाँ। हम अपने पूरे के पूरे 100 करोड़ वसूल करके ही रहेंगे। बाय पूजा। बाय अंकल। अरे सर, ए पूजा तुम अंदर जाओ। मामा जी वो। मैंने कहा अंदर जाओ। साला यहाँ भी बड़ा भाई बाजी मार ले गया। ए मूर्ति। हाँ? मैंने तुम्हें खाने के लिए भर भर कर दिया, पर तुमने मुझे क्या दिया? अरे भैया, तुमने चंद्रशेखर के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? सर, इसमें मामा जी की गलती नहीं है। पूजा की शादी इस घर में हो, इसलिए चंद्रशेखर को वहाँ भेजा। तो क्या मैं रहूं भिखारी और वो रहे शिकारी? हाँ? तुम लोग कुछ भी करो, मेरे लड़के की शादी उसकी लड़की से होनी चाहिए। मगर उसकी मैरिज बड़े ठाकुर की लड़की से फिक्स हो चुकी है। मामा जी आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। शिकागो वाले चंद्रशेखर का एक छोटा भाई भी है, वो भी अपनी बेटी के लिए यहाँ लड़का ढूंढने आया है। छोटा भाई? हाँ है ना, उनका नाम दिनेश है, आप तो जानते हैं ना? मैं जानता हूँ। सर इनको छोड़िए, उस रिश्ते को पक्का समझिए, मामा जी सब संभाल लेंगे, मामला फिट है। मूर्ति 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 तो मामूली आदमी नहीं है, जादू है। मुझे भी लगने लगा है ठाकुर साहब। हाँ मामा जी, उनकी वो बात भी बता दीजिए। क्या बता दूँ? वही कंडीशन वाली बात। एक प्रॉब्लम है, उनकी एक कंडीशन है। बड़े भैया छोटे, तेरी ये सारी नाटकबाजी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। काम पड़ा है तो यहाँ चाटने आए हैं। तो शिकागो चंद्रशेखर का एक भाई भी है, उसका नाम दिनेश किसने रखा? आपने? मैंने? मैं जो सोचता हूँ वो हो जाते। अब आप समझे, आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपका दिमाग, आप अंतर्यामी सर। बहुत खजूर पर चढ़ लिया, अब चलिए। ताल से। आइए, स्वागत है, स्वागत है। ये रहा मेरा छोटा भाई। आपका स्वागत है, मेरा छोटा भाई डॉलर दिनेश। हाउ डू यू डू? हाय एवरीबॉडी। ऐसी कृष्णमूर्ति जी, बहुत दिनों बाद मिले हैं, कैसे हैं आप? अरे कृष्णमूर्ति जी, आपकी टोन बहुत बड़ी हो गई है, पैसा आ रहा है ना? कहाँ दबा रखा है? और पीसी वाला पैसा नहीं, खा के मोटा हुआ। चल अट उधर, आइए आइए, चलिए अंदर। मैंने कहा था ना सर, आपने सोचा और बात सच हो गई। कमाल है, मैं जिस भी कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ वो जिंदा होके आ जाता है। आपके अंदर बहुत शक्ति है सर, तन की या मन की, सच टेल करी छे। और नहीं तो क्या, आप इन साधारण लोगों के बीच अपनी शक्तियाँ बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो जानता था कि मेरे में बहुत शक्ति है, मेरा टैलेंट तो वेस्ट हो गया। ये बताइए कि आपको क्या क्या करना पसंद है? बर्तन धोना, कपड़े धोना, बाथरूम साफ करना, खाना खाने के बाद फिर से बर्तन धोना। तो क्या तुम्हें घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है?
अमेरिका में ऐसा ही है, वहाँ लोग अपना काम खुद करते हैं। इडियट, तुम इससे बैठो, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी मैं, चुपचाप खाना खाओ। बाबू ये तो लात मारती है। बेटा पैसे के लिए गधे की लात भी खानी पड़ती है। एक्सक्यूज मी छोटे ठाकुर साहब, क्या हुआ? जो सुना वो सच है क्या? हेलो मिस्टर चंद्रशेखर, हाउ आर यू? ओह हेलो हेलो। ओहो लगता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, वर्ल्ड बैंक के खुशहाली के पीछे इनका बड़ा हाथ है। आप भी ज्वाइन हो जाइए, खाना खाइए, वहां बैठिए। ओह थैंक यू। इसलिए तो कहते हैं दुनिया पूरी तरह से गोल है। अरे राव यहाँ कैसे आए? एक इम्पोर्टेंट वसूली के लिए आया था। एक बात बताइए, आप यहाँ कैसे? हम यहाँ अपनी लड़की की इनके लड़के से शादी कराने आए। मैं ये क्या सुन रहा हूँ छोटे ठाकुर, लेकिन आप तो पूजा की शादी इससे करने वाले थे ना? ए बाबू बैंक, हमें पता है कि हमें अपनी बहन बेटी की शादी कहाँ करवानी है। चुप बैठो तुम। ये बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। पहले आपको अपने बहन की लड़की की शादी करवानी चाहिए, हाँ उसके बाद हम अपने बच्चों की शादी करवा सकते हैं। इतनी जल्दी उसकी शादी के लिए लड़का कहाँ से ढूंढे? अरे आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं, उसके लिए हम लड़का ढूंढेंगे, अब उसकी जिम्मेदारी हमारी। लड़का क्या थाली में रखा है? जाने कैसा सपेरा है ये, ऐसी बीन बजा दी है कि सब उसकी धुन पर नाच रहे हैं। सर सर एक मिनट, गरीब की बात सुन लीजिए सर प्लीज। बटले तू है कौन है? कृष्ण मूर्ति आपका नाम? अरे गधेड़ा, सब कोई जानते हैं कि इस दुनिया को कृष्ण मूर्ति ने रचा है। ओ, इसका मतलब एक दुनिया और भी है। शैतान, ये दुनिया की छोड़कर वो दुनिया की सोच मैंने बनाई है। मैं जो सोच लूं तो अमेरिका इंडिया और इंडिया चीन हो जाता है। तू खुद को भगवान समझता है? हाँ। वो पागल तीन पहिया तेरा भांजा है ना? वो तीन पहिया नहीं, राम है राम। ए ब्रह्मा की औलाद, राम के बारे में क्या जानता है तू? छोटा भाई आप क्या जानते हो? अब तुम्हारी अकल ठिकाने आई ना? जस्ट चिल चिल, उसने मुझे और तुम्हें दोनों को पोपट बनाया है, अब उसका पोपट बनाएंगे। छोटा भाई तुमने मुझ जैसे मूर्ख की आंखें खोल दी। ये जोकर साला यहाँ क्या कर रहा है? मामा जी आप यहाँ पर हैं? वहाँ चंद्रशेखर जी आपको बुला रहे हैं। इस मूर्ति को स्फूर्ति दे दी है, सारा भूसा निकाल के तेरी सच्चाई इसके दिमाग में भर दी मैंने। छोटा भाई तुम चुप बैठो ना, मैं बात करता हूँ। इसे कोप चुप ले लो, पोपट मत बन जाना फिर से। अब किसने बुलाया बक्कू? शिकागो वाले चंद्रशेखर। अच्छा, डॉलर दिनेश और लंडन लक्ष्मी ने नहीं बुलाया है? ये आपको क्या हो गया मामा जी? मामा जी और कितना चूना लगाएगा, मैं तेरे को भांगी नाकिस, तोड़ी नाकिस, भुक्को करी नाकिस। अरे इसे मत मारो, इसे इसकी पाप की सजा मिलेगी और ये भुगतेगा। इसके पाप की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। देख अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। भक्कू भरे। अरे अभी मत काटो। ठीक तो है ना मामा जी? मामा मामा बोल बोल के तो मेरे को मामा बना रहे हैं। ओ हेलो हेलो हेलो, अब वो जा चुका है, अब भौंकने से क्या होगा, जा अपना काम कर जा। तेरे कहने पर मैंने ये सब कर दिया, अब तू इसी टाइम पे अकेले छोड़ेगा? अरे यार मैं किधर भी नहीं जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टेंशन मत लो मेरे साथ। हट हट, कल थी उसकी बारी, आज मैं हूँ खिलाड़ी, बना दूंगा सबको भिखारी। ये है अनाड़ी। बाय मूर्ति जी। नमस्ते मूर्ति जी। नमस्ते। ओ मूर्ति, तुमने खाना नहीं खाया हमारे साथ, जाओ जाओ जल्दी से खाना खा लो। आपकी मिसेस कैसी हैं? नमस्ते कहिएगा। जरूर कह दूंगा, और कुछ कहना नहीं, है? नहीं और कुछ नहीं कहना। अब मैं इनकी सारी एक्टिंग निकालूंगा, इन्होंने मुझे चारा बनाया। इसकी शादी तब तक नहीं होगी जब तक हम अपनी बहन की लड़की की शादी नहीं कर देते। बात ये भैया, पहले तो इस आदमी को पकड़ कर भुर्ता बनाओ। वो सब बाद में, पहले आप इस संबंध को तो तोड़िए। क्यों? उन्होंने जानबूझकर हमारे सामने ये कंडीशन रखी है। मैं कहता हूँ कोई भी गड़बड़ नहीं होने वाली है, पूजा की शादी अपने बेटे से कर दो। अपना मुंह बंद रख। बैंक जब हमारी सारी जायदाद जब्त कर लेगा तब तू बचाएगा, हम सड़क पे भीख मांगेंगे, हम अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। चुप कर सारे, तेरी फालतू की सलामत दे। तेरा भांजा कहाँ है, बुला उसे। वो घास नहीं आम खाने का हो गया। तूने सुना, गांव चला गया है। ए, बिना बताए वो कैसे चला गया? हाँ बता। इसलिए कि आज आप पूजा की शादी उससे करने वाले थे। ये क्यों कहा? वो गलती से मिस्टेक हो गई। क्या है ना कि जबान गीली है तो फिसल गई, मारेगा मत। डरने की जरूरत नहीं है मूर्ति, बिल्कुल सही कहा तुमने। और तुम्हारा कहा हुआ क्यों नहीं हो सकता? मेरी ऐसी बात नहीं है, अपनी शादी करने के लिए तो गाँव गए वो। चल उसको यहाँ बुला के ला।
अच्छा एक बात बता, उसके पास कुछ जमीन वमीन है? वो तो बिल्कुल भिखारी है, भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं उसके पास। अरे उसको कटोरा हम दे देंगे। ठाकुर साहब। सर। ए, मामा भांजे कंचा खेल रहे हो क्या? ये कहता है कि तुम गांव चले गए हो। हाँ बस जा ही रहा हूँ सर, जाने से पहले आशीर्वाद लेने आया था मैं। अच्छा हुआ, जान तो बची। आज से तुम हमारी फैमिली के एक मेंबर हुए। कैसे कहूँ, तुम्हारे साथ अपनी बहन की लड़की पूजा की शादी के बारे में हम सब ने सोचा है। हाँ। तो तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ सर, सारी बातें मामा तय करेंगे। ठाकुर साहब, मेरी बहन पुराने विचारों की है, वो ये रिश्ते को नहीं मानेगी। तुम तो पहले हर बात के लिए राजी थे, अब इतना भाव क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, बोलो। पूजा, पूजा बेटी इधर आओ। क्या हुआ मामा जी? अरे इस राम के साथ तुम्हारी शादी के बारे में हम दोनों ने सोचा है, तुम्हें कुछ कहना है? आपकी जैसी मर्जी, अगर आप मेरा नाम सीता भी रख दे तो भी मुझे ऐतराज नहीं। अब बोलो, ठीक है ना? पर एक प्रॉब्लम है सर जी, जैसे मामा जी ने कहा, मेरी माँ बहुत पुराने ख्यालों की है। मैंने सुना है कि किसी मैरिज हॉल से पूजा को किसी ने उठा लिया था, संतोष बता रहा था। अगर ये बात मेरी माँ को पता चल गई तो वो घर सिर पर उठा लेगी। ओहो, बस इतनी सी समस्या है? हाँ सर। ए, पकड़ लो संतोष को। सर नमस्कार। सर आपने मुझे क्यों बुलाया सर? ए संतोष, तुम्हें मालूम है कि पूजा को मैरिज हॉल से किसने उठाया था? हाँ फोटो तो आपको दिखाया था ना सर। सर आपने मुझे मारा क्यों सर? आप जरा ध्यान से सुन ले, उसे उठाने वाला आदमी ये था। सर करेक्ट सर, यही था सर, बिल्कुल यही था सर, इसने उसे उठाया था। करेक्ट, जब कोई तुझसे पूछे तो यही बताना। बिल्कुल सर। हाँ, अब जाओ। जाओ सर। जाके अपना काम करो। क्या संभाला है, मूर्ति भी अब हमारा रिश्तेदार हो गया। मूर्ति जी, ये खेल कैसे पलटी हुआ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मोटा भाई, इसका खेल तो मुझे भी समझ नहीं आया। ये मुंह से नहीं, कहीं और से निकली है, बड़े तेज लगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो आप करना चाहते हैं उसे चतुराई से कर सकते हैं। हमने भी वही किया। मूर्ति हमारा नौकर है पर बहुत अच्छा और ईमानदार है, इसलिए। ठाकुर साहब, मेरे पे भरोसा है तो इस शादी के लिए इनकार कर दीजिए, इनसे कोई रिश्ता मत रखिए। भूल जाइए सर, मामा जी ने शादी से इनकार कर दिया और माँ भी तैयार रही है, अब अनाथ की तरह शादी करना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। राम, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ। मूर्ति जी। जी सर। वैसे राम के साथ आपका रिश्ता क्या है? मैं क्या जानू सर, मैं तो अपने सारे रिश्ते भूल चुका हूँ, मेरा सेकंड स्टेज है। आजकल तुझे हो क्या गया है, हर समय नाटक करता रहता है। इसे अपना बेटा ही समझिए। सही कहा। वैसे हमारा भी कोई बेटा नहीं है। इसकी शादी का इंतजाम मैं करूंगा। मुझे अपने बेटे की शादी करने में बहुत खुशी होगी। क्या बात है, हमें भी बड़ी खुशी होगी, हम भी अपनी बहन की बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। हे रामा, डमडोल बजा रे मस्त कलंदर, डमडोल बजा रे मस्त कलंदर।
अरे नरसिम्हा, तू तो कोमा में था, उससे बाहर कब आया? वो क्या है कि आपसे एक जरूरी बात करनी थी। यही है वो जिसने पूजा को मैरिज हॉल से उठाया था। तू इधर आ। क्या जो ये कह रहा है वो सही है? आपने ही तो मुझसे ये कहने को कहा था। ए, ए, नाटक किया तो यहीं गाड़ दूंगा। हेलो ब्रदर, जस्ट मिनट, कमिंग। हाँ हाँ, ए तू तू बता ही नहीं, जरा बता। संभाल के मेरे हाथ मत तोड़ना। इसी ने पूजा को उठाया था या नहीं? और क्या, करेक्ट, यही था। सर देखा आपने, मैंने वही कहा जो आपने कहा था। ओह ऐसा। मैंने आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन से फॉलो सर। क्या फॉलो? यस फॉलो, तुम उसे खेल खेल रहा है। छोड़ दे पौवे को। ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है? इसके सर में चोट लगी है, तभी ये ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, आप सच नहीं जानते। दरअसल क्या है, तो कोमा में पड़ा हुआ था, तुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? जबकि मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। नरसिम्हा तू घर जा रहे, घर जा तू। अरे आप लोग तो बैठिए। हैप्पी सर, पता ही नहीं। एक मिनट, एक बार आपने लिफ्ट देकर बहुत मदद की थी, इस बार मेरी लाइफ बचा के दोबारा मदद की है। थैंक यू वेरी मच। नो, तुम्हारे प्यार को पूरा करने के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली जुटी हुई है। कमिटमेंट मुझे अच्छा लगता है। ये हैप्पी अपने आसपास खुशियां देखना चाहता है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यस कमिंग, कमिटमेंट। समधी जी, आपके आने के बाद रोज मजा आ रहा है। अगर मैं सच बोलूं तो आपके ढेर सारे पैसों के लिए हम रिश्ता बनाकर बहुत अमीर बनना चाहते थे, पर ये चारों तरफ फैली खुशी देख के अब प्रॉपर्टी की चाहत ही नहीं रही। छोटे, मैंने कहा चुप कर। संदी जी, चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ एक मिनट। हेलो, तुमने खाना खाया? अभी नहीं खाया। खा लो वरना तुम्हें एसिडिटी हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ और खाना खा लो। खाती हूँ। अरे जरा एक मिनट। हाँ, आई लव यू। ओके, मी टू। अरे भैया की बात पे तो मजा आ गया। अपनी बीवी को पूछ रहे हैं उसने खाना खाया कि नहीं। हमारे घर में जितनी देर हो जाए मेरे खाने के बाद वो खाएगी। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। वो क्यों? घर की औरतों का छोटा सा संसार होता है, पति, घर और बच्चा। पति होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे प्यार से पेश आए। चलो चलो खाना खाते हैं। जरा रुकिए यहीं प्लीज। क्या हुआ? मैं आ जाऊं। तुझे क्या हो गया? मैं जा गया। आपका फोन है। मेरे पति, उन्होंने फोन क्यों किया? क्यों जी, खाना खाया? नहीं खाया जी। तूने अभी तक क्यों नहीं खाया? खाले नहीं तो ऐसी मिट्टी होगी। ऐसी मिट्टी क्या मतलब? मतलब पता नहीं। तो सुन, आई लव यू। आई लव यू? मिट्टू 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 मिट्टू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। आप कब आए? तो अंदर जाके कीजिए। हाँ हाँ, मुझे भी जोर की लगी है। जाइए जाइए, आप भी आराम से कीजिए। तुम जल्दी जल्दी बाहर जाओ। बहुत चालाक है। मेरी बहू के लिए ठीक। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ससुर जी। अपनी सासू को फोन दो। हाँ देती हूँ। हेलो, खाना खाया? अभी नहीं खाया। खा ले नहीं तो ऐसी मीठी हो जाएगी। अच्छा मैं फोन रखूं क्या? नहीं नहीं, तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। मी टू मी टू मी टू। मैंने कह सकती हूँ। आई लव यू। ये लो, इस गवार को क्या समझ आएगा, मुझे भी आज ही समझ आया है। क्या कर रहे हो?
एक और तो खाना ही पड़ेगा। हाय आंटी। क्या बात है, कुछ काम है? कुछ खास नहीं, मेरी ताई जी ने पूजा के लिए एक नेकलेस भेजा है, इसे पूजा को पहना दीजिएगा, ये उनकी इच्छा है। ठीक है। तुम इसे खुद लेकर क्यों आए, किसी और के हाथों भेज देते? तो फिर इसे यहाँ आने का बहाना कैसे मिलता? हाँ ताई जी, नेकलेस दे दिया? हाँ दे दिया। तो जल्दी आओ, अभी हल्दी की रस्म करनी है। ठीक है, अभी आता हूँ। कौन सा मैरिज हॉल पता है? अरे वही जहाँ से तुमने पूजा को किडनैप किया था, याद है ना? अब मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी खुशी का आखिरी दिन था, उसी दिन तो ये मुसीबत मेरे गले पड़ी। हेलो पिताजी, धोखा धोखा हुआ है। क्या खोका आया? अबे किस माल का खोका आया है? अरे खोका धोखा छोड़िए, कोई शिकागो चंद्रशेखर नहीं है और ना ही कोई डॉलर दिनेश। अरे वो वहाँ पर कैसे हो गए, वो हमारे साथ नाच रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं? तूने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अब देखता हूँ तो इस गांव से कैसे बाहर जाता है। रुक साले, चीर के रखूंगा। आंटी पूजा को लेकर मैरिज हॉल पहुँची है, मैं वही मिलूंगा। चले जा कफन का सामान लेकर आ, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक नहीं आया। हाँ, राम नहीं आया। ये तो केला खा रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ नहीं होगा, तुम जाके शादी की तैयारियां करो, वो पहुंच जाएगा। दूल्हा अभी नहीं आया है, उन्हें हमारे नाटक का पता तो नहीं चल गया। अरे तू घबराता क्यों है, वो आ जाएगा। क्या हुआ समधी जी, बड़े टेंशन में दिख रहे हैं। बात ये है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और दूल्हा अभी तक नहीं आया है। क्या कह रहे हैं समधी जी, दूल्हा तो मंडप में है। पूजा बिल्कुल हमारी बहन की तरह दिखती है ना? हाँ छोटे, बिना जांचे परखे सिर्फ पैसे के लालच में हमने उसकी शादी किसी से भी कर दी, वो इसे ठीक से रखेगा भी या नहीं? उसकी चिंता मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे, वो हमारी बेटी है। आजा बेटा आजा। आजा बेटी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर राम तेरे साथ कुछ गलत करे तो हम हैं, बस हमें एक फोन करना। मामा जी आप लोग कितने अच्छे,
मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आप... नहीं बेटी, ऐसा मत सोचना। हमें तुम कैसे दुख पहुंचाओगी? तुम हमारी ही तो बेटी हो, हमारी बेटी। आओ चलो। गेट बंद कर, यहाँ से आज गोली नहीं अर्थिया उठेगी। देखा तेरे सारे आइडिया फ्लॉप हो गए, भाग, मैं भी भाग रहा हूँ। एक मिनट रुको। ए बेटा नागपा, इधर आ। क्या हुआ? इस साले कमीने ने मुझे सर पर मारकर बेहोश कर दिया था। ये दूल्हा, दूल्हे का बाप सब नकली है, इन सब ने हमें धोखा दिया। अरे बेटा राम, नागा सच कह रहा है क्या? हाँ। तो ये क्यों किया? मैं पूजा को भगाकर शादी नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि उसको इस घर से विदा करा के ले जाऊं, क्योंकि पूजा जितना मुझे उतना आप सबको चाहती है। उसके माँ बाप भी यही चाहते थे कि उसकी शादी में उसे आप सबका आशीर्वाद मिले, इसीलिए ऐसा किया। hey! इसके बकवास मत सुनिए। इसकी तो मैं इधर सुन, देखते नहीं हम बड़े बात कर रहे हैं? hey! अपनी औकात में रहकर बात कर, खुद को बहुत बड़ा शाह समझता है क्या तू? अगर तुमने दोबारा मेरे भाई का कॉलर पकड़ा तो मैं तुम्हारा हाथ काट डालूंगा, समझे? उन धोखेबाजों को छोड़कर यहाँ हम आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, उन्होंने हमसे धोखेबाजी नहीं की है, बल्कि हमें आदमी बना दिया। सही कह रहे हो। हमने अपनी बीवियों को घर की नौकरानी समझकर उनकी कभी इज्जत नहीं की, लेकिन इसने होने वाली बीवी का इतना सम्मान किया कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। हम भाई होकर भी दुश्मनी निभाते रहे, और जरा इनको देखो, भाइयों में कितना प्यार है। तुमने ठीक कहा, हमारी पूजा एक ऐसे परिवार में जा रही है जो लोग शरीफ है। ये हमारी बहन के पुण्य का प्रताप है, क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक कहा भैया। इन बच्चों का साथ देते देते हमने भी आपको धोखा दिया है, हमें माफ कर दीजिए। अरे छोड़ो, परवाह मत करो, आपकी वजह से भेज बदला, इधर बदला, इधर भी बदला, बताओ। सच बताऊं तो आप लोगों के जाने से हम दोनों को बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा लग रहा है। इसलिए हम सब आपके यहाँ दो चार दिन रुकेंगे। हाँ। अरे दो चार क्यों, पूरा महीना रुकिए। क्या कहते हो? मैं क्या बताऊं, जो मामा जी कहेंगे वो करूंगा। क्या?